Namha Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschat Deshatarine Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashta Praeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtaki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namo Namaha Namo Mahavadanaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gauratveshe Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama Rama, Hare 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 Krishna Jai Jagannath Baladev Subhadra अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ स्कान उज्जैन के श्री राधा मदन मोहन मंदिर के ओर से सात दिन के इस भागवत कथा में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंदों में 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। एक श्लोक को सारे श्लोक अगर पढ़ना शुरू करें तो 30 घंटे में पूरे होते हैं। तो ये कथा तो बहुत संक्षेप में सारांश थोड़ा हर एक स्कंद का बताया जा रहा है, जो मूल बातें हैं जिनसे हमें शिक्षा मिलती है और सरलता से उसको समझाने का प्रयास किया जा रहा है। 19 अध्यायों के पहले स्कंद में विशेष रूप से
भागवत सुनने वाले की जिज्ञासा और उसका उत्साह, उसका वर्णन है। ऋषियों को यज्ञ से ज़्यादा भागवत में रुचि हुई और ऋषियों ने कहा, 18वें अध्याय तक पहुँचते हुए ऋषियों ने कहा, इस यज्ञ से के धुएँ से हमारे नाक सांस लेने से और मुंह काला हो गया है, लेकिन दिल अभी तक साफ नहीं हुआ है, लेकिन भागवत के अमृत से हमारा हृदय निर्मल हो गया है। ये शनक आदि ऋषियों का अनुभव है कि भागवत का श्रवण यज्ञ से महत्वपूर्ण है। और यज्ञ को तो उन्होंने समापति करके भागवत को सुनना शुरू कर दिया, क्योंकि यज्ञ सत्य युग का कर्म था और सत्य युग का साधन तो त्रेता युग का साधन था, तो वो यज्ञ अभी करने से कोई ज़्यादा लाभ होगा नहीं। देवता तो आते नहीं हैं यज्ञ में, पहले देवता यज्ञ में उतर के आते थे, अब तो देवता आते ही नहीं है यज्ञ के अंदर, तो यज्ञ किसके लिए करें। तो ये समस्या, ये भागवत की महानता की बात है। पहले स्कंद में ऋषि यज्ञ से भागवत को ज़्यादा महत्व दे के कहते हैं, ये भागवत का अमृत हमारे लिए अनमोल है। और ये आप बताते जाइए, धारावाहिक चलता रहे। और दूसरे स्कंद में हम 10 अध्यायों में भगवत प्राप्ति का मुख्य साधन श्रवण है, और श्रवण के अंतर्गत श्रद्धा होनी चाहिए, मन से मनन करना चाहिए, हृदय से उसको स्वीकार करके और पालन करना चाहिए। तो 3 अंगों के श्रवण के अंतर्गत ब्रह्मा ने श्रवण किया चतुर्श्लोकी भागवत का, साक्षात भगवान नारायण के द्वारा। और 10 विषय जो उस भागवत के अंदर पूरे 12 स्कंदों में 10 विषयों को विस्तार से समझाया गया है, उन 10 विषयों का वर्णन प्रातःकाल के सत्र में हुआ। सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण, ऊति मनवंत्र, ईशानुकथा, निरोध मोक्ष और आश्रय। तो अब तीसरा स्कंद शुरू होता है। सुबह इसको शुरू किया था ये विदुर के घर छोड़ने का, और फिर विदुर और उद्धव के मिलने का, और दोनों का कृष्ण कथा का श्रवण वर्णन, और फिर उद्धव के द्वारा विदुर को मैत्रेय के पास भेजना। अब मैत्रेय और विदुर का मिलन, और तीसरे स्कंद की कथा शुरू होती है। तो तीसरे और चौथे स्कंद का वक्ता मैत्रेय ऋषि है। वो कथा बोलने से पहले कहते हैं, बता रहे हैं कि विदुर जी, मेरी परंपरा अनंत शेष से शुरू होती है। भगवान बलराम शेष से कथा सनकादि ऋषि सुन के आए, और सनकादि ऋषियों से समाख्यायन ऋषि ने सुनी, और उससे बृहस्पति ने सुनी, और उससे हमारे गुरुदेव ने हमको ये शिक्षा दी। और उद्धव ही कहता है कि बृहस्पति ने मुझे ये कथा बताई है। मैं तो ये अपनी परंपरा बताते हैं, पहले के भागवत की परंपरा कैसे अनंत शेष भगवान बलराम से आती है। और फिर विदुर ने प्रश्न पूछा कि लोग संसार में लोग दुख क्यों भोगते हैं, सुख के लिए सब भाग दौड़ करते हैं, और सबके पले दुख क्यों पड़ता है। तो मैत्री जी कहते हैं, आपको सुख कब तक के लिए चाहिए? बोले, सदा के लिए चाहिए। कहाँ चाहिए? सब जगह चाहिए। सुख सदा के लिए चाहिए, सुख सुख सब जगह चाहिए। किस में सुख चाहिए? सब में सुख चाहिए। तो फिर आप ढूंढ कहाँ रहे हैं सुख को? आप ढूंढ रहे हैं सुख को किसी काल में, किसी विशेष व्यक्ति में, और किसी विशेष समय में। तो वो तो सदा रह नहीं सकता है, तो फिर तुम्हारे सुख ढूंढने की जगह गलत है। सुख तुमको चाहिए तो मुकंद चरणारविंद की कथा का श्रवण करो। ये श्लोक कहकर सुख का साधन मैत्रेय जी ने बताया, विदुर सुख तो मुकंद चरणारविंद के कथा अमृत श्रवण में है। और सुख क्योंकि वो सदा के लिए रहने वाला है, सब जगह रहने वाला है, सब समय रहने वाला है। बाकी सुख आप संसार में किसी एक जगह ढूंढोगे तो दूसरी जगह दुख मिल जाएगा, और सदा कोई चीज रहने वाली नहीं है संसार में। तो सुख के साधन को पूछने के बाद विदुर कहता है, मैंने महाभारत का अध्ययन व्यासदेव से किया है, व्यासदेव का पुत्र है विदुर। विदुर को ठीक तरह से पहचानोगे तो व्यास विदुर व्यास का पुत्र है, पांडु व्यास का पुत्र है, धृतराष्ट्र व्यास का पुत्र है, और विदुर भी व्यास का पुत्र है। लेकिन उसको शराप था मांडुक ऋषि का, और इसलिए वो दासी पुत्र के रूप में यहाँ 100 साल तक उसको शराप था। 100 साल के लिए विदुर धरती पे आए, उस वक्त यमराज की पोस्ट के ऊपर अर्यमा को बिठाया गया, जब पितरों का अधिपति है
लेकिन 100 साल पूरे हो गए, श्री कृष्ण अपनी लीला यहाँ अभी तक प्रकाशित कर रहे थे, तो विदुर जी ने एप्लीकेशन लिख के भेज दिया कि मेरी लीव को एक्सटेंशन किया जाए, मैं अभी वापस नहीं आ सकता हूँ अपनी पोस्ट पे, जब तक श्री कृष्ण की लीला चलेगी मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता हूँ। विदुर वापस नहीं गए 100 साल, शराब से आदमी मुक्त होना चाहता है, विदुर कहता है ये शराब अच्छा है, कृष्ण का संग मिल रहा है, इतना अद्भुत भक्तों का संग मिल रहा है। तो विदुर फिर आज मैत्रेय से फिर प्रश्न पूछते हैं सृष्टि लीला का, कि सृष्टि भगवान क्यों करते हैं। तो इसलिए हमारे आचार्य लिखते हैं कि भगवान की दो प्रकार की लीला है, एक सृष्टि लीला है और दूसरी रास लीला है। जो भगवान के असली भक्त हैं उनके लिए सृष्टि लीला भी आनंददायी है और रास लीला भी परमानंददायी है, लेकिन जो आधे मूर्ख हैं वो केवल रासलीला का वर्णन करते हैं और सृष्टि लीला को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो अभी तक कच्चे भक्त हैं। इसलिए विदुर शिक्षा देते हैं कि सुनना अगर भगवान को जानने का साधन है तो पहले सृष्टि लीला को सुनना चाहिए। सृष्टि लीला भगवान की अनुकंपा है, करुणा है, तो भगवान सृष्टि करते कैसे? तो उस सृष्टि करने में सुबह आपसे ये चर्चा की गई थी कि सृष्टि सर्ग दो प्रकार का होता है, देवी सर्ग और असुरी सर्ग। तो पहले आइए देवी सर्ग का वर्णन करते हैं, जिसमें कहते हैं कि भगवान जब सृष्टि करनी होती है तो गर्भोदक्षायी विष्णु गर्भ सागर में शयन करते हैं, अपने ही शरीर से जल भर देते हैं, शयन करते हैं, और अपनी नाभि के जो नाभि जब नीली हो जाती है तो कमल के डंडे के अंदर 14 भुवन के सारे जीव और ऊपर कमल पैदा, उसके ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और ब्रह्मा जी के जन्म होने के बाद तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी गोपाल मंत्र के 100 साल के उच्चारण और तपस्या के बाद भगवान का साक्षात दर्शन करते हैं, भगवान के आशीर्वाद से पुनः सृष्टि करते हैं। तो पहले मानसिक सृष्टि करते हैं, मन से कहते हैं पुत्र उत्पन्न हो जाए, और 1 के 4 हो गए और चारों को ब्रह्मा जी इनको कहा पिताजी प्रणाम, आ गया बोला जाओ सृष्टि बढ़ाओ, नहीं हम सृष्टि नहीं करेंगे। अरे मैंने मेरे को पिता ने कहा है सृष्टि, भगवान ने कहा है सृष्टि करो, मैंने आपकी सृष्टि करिए, आप सृष्टि करो, बोला हम नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने बोला पहले बेटे ही हमारे आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, क्रोध आया और ब्रह्मा जी की ललाट से एक और क्रोध के कारण नीले रंग का बच्चा नीचे गिरा और रोने लगा जोर शोर से और बोला मैं कहाँ जाऊँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ रहूँ। ब्रह्मा जी ने कहा रो रहे हो, तुम्हारा नाम रुद्र है, तुम्हारी 11 पत्नियाँ होंगी, जाओ तुम ऐसे जाओ सृष्टि करो। इसने बोला हाँ मैं सृष्टि करता हूँ, और सृष्टि ऐसे भूत प्रेतों की कि वो ब्रह्मा जी को खाने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने कहा तेरी सृष्टि बंद कर, जरूरत नहीं है तेरी सृष्टि की, जब प्रलय का समय होगा तुम्हारे को सेवा दी जाएगी। ये प्रसंग जब मैं पढ़ता हूँ भागवत में तो मुझे लगता है कि आजकल लोग बच्चे क्यों नहीं पैदा कर रहे हैं, क्योंकि सारे ही बदमाश पैदा हो रहे हैं, आतंकवादी, इससे अच्छा है नहीं हो, अच्छे होते तो कोई मना थोड़ी थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा चुप करो, बंद करो ये तुम्हारी सृष्टि। फिर ब्रह्मा जी ने ऋषि पैदा किए, तो ऋषि अपने मन से, ये तो भगवत गीता का श्लोक है, चत्वारो कुमारो मानसा जाता मेरे मन से, मैंने ये ऋषि पैदा किए, ये सब ऋषि भगवान के ब्रह्मा जी के मन से पैदा हुए। छाया से कर्दम ऋषि पैदा हुआ, इन ऋषियों को कहा सृष्टि करो, सृष्टि बढ़ नहीं रही है। अब ब्रह्मा जी चिंतन करने लगा कि सृष्टि मानसिक बढ़ेगी नहीं, तब पहली बार ब्रह्मा जी ने अपने वाम भाग से एक स्त्री का निर्माण किया और अपने सीधे हाथ की तरफ से एक पुरुष का निर्माण किया। जो पहला पुरुष ब्रह्मा जी ने पैदा किया उसका नाम हुआ स्वयंभू मनु, क्योंकि मानव की सृष्टि करने जा रहा था। पहले तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि तो सब प्रकार की, असुरों की सृष्टि, ये वो सब, लेकिन जब मानव की सृष्टि का समय आया तब प्रसन्न हो गए कि ये अद्भुत सृष्टि है, ये तो भगवान के स्वरूप के ऊपर सृष्टि है। तो मनु जिसका माता पिता नहीं है स्वयंभू खड़े हो गए, और यहाँ शत्रुपा जो बहुत सुंदर कोमल चंद्रायन, स्त्री में चंद्रमा का प्रभाव होता है, शीतल और कोमलता होती है, पुरुष सूर्य प्रधान होता है वैदिक संस्कृति से, उसमें शौर्य और वीरता होती है और कठोरता होती है, दोनों ने प्रणाम करके कहा ब्रह्मा जी आज्ञा करो, बोला बेटा तुम सृष्टि बढ़ाओ। दोनों कहते हैं पिताजी सृष्टि
बढ़ाएं, कहाँ सृष्टि करें, पृथ्वी नहीं है, सृष्टि तो पृथ्वी के ऊपर करें, पृथ्वी है ही नहीं। ब्रह्मा जी बोला हाँ पृथ्वी नहीं है तो वो तो सत्यलोक में बैठे थे, अभी तो भूलोक तो दिखा नहीं। तो ब्रह्मा जी ऐसे सोचने लगे पृथ्वी नहीं है। इतनी देर ब्रह्मा जी के नासिका से एक छोटा सा मटर की साइज का जीव नीचे गिरा, आश्चर्य हुआ, थोड़ी थोड़ी देर में बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते वाराहदेव इतना बड़ा हो गया। और कितना बड़ा हो गया, ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया कि मैं विचार पृथ्वी का किया और पृथ्वी से प्रेम करने, पृथ्वी की तन मात्रा क्या है, गंध, फ्रेग्रेंस, और वाराहदेव की नासिका, और सूंघते किससे हैं, फ्रेग्रेंस किससे सूंघते हैं, नासिका से, तो नासिका आदि देव वो स्थान है जहाँ से वाराहदेव प्रकट हुए और जो पृथ्वी को लाएंगे, और वाराहदेव के सारे अंग पृथ्वी की तरफ झुके हुए हैं। वाराह यज्ञ रूप है, वाराह को वेद में यज्ञ रूप कहा जाता है, वो पृथ्वी के सारे मलिनता को साफ करता है। और पृथ्वी के साथ वाराहदेव का विवाह हुआ और भौमासुर की उत्पत्ति भी वाराहदेव के द्वारा पृथ्वी से हुई है। आज जैसे ही वाराहदेव ने कूद के समुद्र में गए और बालों को हिलाया तो आकाश के बादल हिल गए और पानी की लहर इतनी ऊपर उठी कि तपलोक के ऋषियों ने वाराहदेव के उस जल से आचमन किया। इतना बड़ा वाराहदेव का ये विग्रह था। अब वाराहदेव के यहाँ सृष्टि वाराहदेव के द्वारा, अब वाराहदेव जब जल के अंदर चले गए तो पृथ्वी को ढूंढने के लिए गए। तो अपन इस सृष्टि का वर्णन करने से पहले अब वाराहदेव का वर्णन करते हैं। वाराहदेव अंदर गए, गर्भ सागर के नीचे पाताल में पृथ्वी को देखा और अपने मुख के पर पृथ्वी को धारण किया, क्योंकि उसने मुख्य माना पृथ्वी को, पृथ्वी से बड़ा प्रेम था, और ऊपर उठाने आने लगे। उस वक्त उनको हिरणाकश ललकारने लगा। तो हिरणाकश आया कहाँ से, अभी तो सृष्टि हुई नहीं ब्रह्मा जी की, तो हिरणाकश कहाँ से आ गया? इसका अर्थ हिरणाकश इससे पहले कल्प का था, वो ब्रह्मा जी के अगले दिन में इसका जन्म हो चुका था। और वो जब ब्रह्मा जी की रात होती है, कश्यप और आदित्य चले जाते हैं ऊपर उपसतलोक में, तपलोक में, और ये हिरणाकश और हिरणाकश्यप गर्भ सागर के अंदर विहार करने लगते हैं और पृथ्वी को अपनी संपत्ति मान के और उसके ऊपर अधिपति जमाने का प्रयास करते हैं। तो ये जल में थे, ये जल में थे हिरणाकश, और हिरणाकश अभी यहाँ वाराहदेव का भी, वाराहदेव के प्रकट्य का जो अवतार का वर्णन शुरू हो गया है, तो यहाँ ये कहना जरूरी है कि हिरणाकश और हिरणाकश्यप कश्यप के पुत्र हैं। अब कश्यप का क्या अर्थ है? कश्यप का अर्थ है जो असुरों और देवताओं दोनों से समान भाव से रह सके, जो दिति और आदिति दोनों पत्नियों के साथ रह सकता है। कश्यप समान भाव से दोनों से रह रहा है, एक पत्नी दिति है, एक आदिति, और दिति का अर्थ है टुकड़ा टुकड़ा करने वाली, आपस में लड़ाने वाली, और आदिति का अर्थ है सबको मिलाने वाली, जोड़ने वाली। आदिति के पुत्र 12 आदित्य हैं, जो 12 के 12 देवता हैं, उनमें से एक सूर्य है और एक स्वयं वामनदेव है। और दिति के पुत्रों का वर्णन आता है तब उनमें पहले दो नाम हिरणाकश और हिरणाकश्यप के आते हैं। तो दिति के पुत्रों के अब असुरी सर्ग का वर्णन थोड़ी देर के लिए सुन लीजिए। असुरी सर्ग कैसे हुआ? कश्यप जी यज्ञशाला में संध्या काल में ध्यान में बैठे थे, संध्या काल क्या था? संध्या काल। स्थान क्या था? यज्ञशाला। कर्म क्या था? संध्या वदन। उस वक्त दिति के हृदय में काम का प्रकोप हुआ और दिति ने कश्यप को आके सहवास के लिए आग्रह किया और उसके कपड़े को खींचा। कश्यप ने कहा दिति इस वक्त एक तो समय उचित नहीं है, एक स्थान ठीक नहीं है, और तीसरा इस वक्त भगवान शंकर अपने भूत गणों को लेकर भ्रमण करते हैं, कोई भी स्त्री पुरुष सहवास करता है तो उस वक्त गर्भ में भूतों को डालते हैं, और फिर मैं आपको इनकार कर रहा हूं, और इस वक्त आपके मन में काम का प्रकोप है, इसलिए परिणाम बहुत प्रचंड होगा, बहुत भयानक होगा। लेकिन दिति ने नहीं माना। क्यों नहीं माना दिति ने? क्योंकि भगवान विष्णु के हाथों में खुजली हो रही थी,
वो बैठे थे वैकुंठ में, चार हाथ कब से नीचे गए नहीं, किसी के साथ दो हाथ किए नहीं, तो क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि कोई लीला होनी चाहिए, ये इच्छा मेरे मन में उत्पन्न हुई है। तो लक्ष्मी बाहर से एक दिन घूम के आ रही थी और शाम का टाइम हुआ तो जय और विजय दरवाजे पे जो खड़े थे उन्होंने कहा, माताजी आप अंदर नहीं जा सकती हैं, भगवान विष्णु योग निद्रा में सोए। बोला मैं मालकिन हूँ, मेरे को मना करते हो, विष्णु मैं लक्ष्मी और मुझे मना कर। बोला आप मालकिन है लेकिन अभी नहीं जा सकती हैं। तो लक्ष्मी को क्रोध आया, लक्ष्मी तो लकड़ी हटा के चली गई। विष्णु को कहा ये कौन से आपने ऐसे दरबान खड़े किए, मुझ मालकिन को रोकते हैं। विष्णु का काम तो उन्होंने अच्छा नहीं किया लेकिन उनको डांटूंगा तो लोग कहते हैं कि पत्नी का साइड लेता है, ये तो मेरे को शोभा नहीं देगा। लेकिन आप इंतज़ार करो, जब ये किसी साधु का अपमान करेंगे तब इनका भी काम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने एक दिन अपने बेटों सनकादि कुमारों को कहा, आप तो ब्रह्मनिष्ठ हो, पहले से ही तपस्वी हो, आपको तो किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं भगवान का सुंदर दर्शन किया था, विष्णु से हाथ मिलाया था, कभी वैकुंठ में जाना, वैकुंठ के पास ही रहते हैं सनकादि, बोला कभी जाके दर्शन करके आना। तो उनके हृदय में योग माया ने प्रेरणा दी और ये चारों पुत्र ब्रह्मा जी के छह दरवाजा लांग के, 5 साल के छोटे लगते हैं, सबसे बड़े इस पृथ्वी में हैं और बड़े आज तक नहीं हुए हैं, और नांगे पतंगे ऐसे दिगंबर वेश में दरवाजे के ऊपर जाके खड़े हो गए। अब जय विजय उनको जानते हैं कि ये चार कुमार हैं, लेकिन अब उनके मन में योग माया ने ऐसा लीला ने काम किया, वो डंडे दोनों ऐसे दे के रख दिए। वो डंडा आके दे के बोला, नंगे पतंगे कहाँ अंदर जा रहे हो, बच्चे वैकुंठ में। सनकादि ऋषियों ने कहा वैकुंठ में भी अपने पराये का भेद होता है, यहाँ भी तुमको द्वेष नजर आता है, द्वंद नजर आता है, तुम यहाँ इस रहने के योग्य नहीं हो, तुम तो जाओ पृथ्वी लोक के ऊपर, तुम्हारी प्रवृत्ति असुरी हो चुकी है। अब सनकादि को क्रोध नहीं आना चाहिए, लेकिन भगवान को लीला करनी है तो ऋषियों को क्रोध दिला दिया और उन्होंने डंडे डाल दिए। अब ऋषियों ने जब वो क्रोध किया तो भगवान विष्णु, काम सारा आपने खुद ने किया था, लेकिन अब लक्ष्मी बैठी हुई थी और वहाँ गरुड़ खड़ा था, गरुड़ को भी नहीं पूछा, नहीं स्वयं वहाँ से भागे, एकदम गेट के ऊपर आए, आके प्रणाम किया, ब्राह्मण भूदेवो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपके स्वागत में करने में मुझे बहुत विलंब हो गई, ये मेरे दास है, इनकी गलती है, मैं उसका जिम्मेवार हूँ और मेरे दास की गलती को मैं अपनी गलती मानता हूँ। आप ब्राह्मण गुणगान करते हो तब लोग मेरी पूजा सेवा करते हैं, आप वेदों के वाक्य गाते हो तब लोगों को मेरा परिचय होता है, और इसलिए मैं ब्राह्मणों को पूजता हूँ, और ये हाथ भी ब्राह्मणों का अपमान करे तो मैं अपने हाथ को काट दूंगा, ये तो मेरा सेवक है, आपने अच्छा किया इसको दंड दिया। वो छोटे से बेचारे, वो भगवान विष्णु के टखने जितनी उनकी साइज थी, वो तो भगवान विष्णु के पांव से थोड़े से ऊपर दिख रहे थे, उनको भगवान विष्णु तो ऊपर ऐसे देखा दिखा नहीं, लेकिन चरणों के ऊपर लगे हुए तुलसी दल और चंदन का सुगंध आई और वो समाधि में चले गए। वो कहते हमको कुछ नहीं कहा, इनको कुछ भी हमने शराप देना नहीं है। बोला नहीं सर, आप आपका ठीक है, ये 3 बार असुर होंगे, जरूर जाएंगे 3 बार, और ये 3 बार बड़े भयानक असुर होंगे, लेकिन मेरे दास हैं इसलिए मैं 4 बार इनको लेने के लिए जाऊंगा, आपकी बात भी सत्य हो जाएगी। अब ब्राह्मणों मेरा प्रणाम आपको है, आप लोग दोनों चलो यहाँ से जाओ, अब ब्राह्मणों के स्वरूप श्राप के अनुसार। वहाँ दित्ति ने दुराग्रह किया और उस यज्ञशाला में, और इसको कहते हैं ये ध्यान देने योग्य है, असुरों की उत्पत्ति कब होती है, जब स्वेच्छा का विवाह होता है, अपनी इच्छा से किसी को पसंद किया जाए, वैदिक विवाह नहीं हो तो पहला ये कारण। दूसरा समय का ध्यान न करे, देवताओं का अनादर करे, पति की आज्ञा का पालन नहीं करे और तीव्र काम का भाव हो तो असुरी प्रवृत्ति का संतान पैदा होता है। तो आज दिति ने दुराग्रह किया, कश्यप ने कहा भगवान की इच्छा होगी, नहीं तो ऐसे कभी होता नहीं है ऋषियों के समाज में। कश्यप ने अपने संध्या वंदन को समाप्त किया, दित्ति की इच्छा को पूर्ण किया, कश्यप वापस नहा धो के और फिर अपने संध्या वंदन में, तब तक दित्ति ने कहा मैंने गलती कर दी, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, मुझे क्षमा करो। अब दित्ति क्षमा याचना मांगने लगी और कहा शंकर जी तो वो तो मेरी बहन के पति हैं, मैं उसको मना लूंगी, वो मेरे को बहुत दुखी नहीं करेंगे, शराप नहीं देंगे, और आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने दुराग्रह किया, मैंने अपराध किया।
अब अपनी गलती की जो क्षमा मांगी तो कश्यप के हृदय में दया आ गई। उसने कहा अब क्षमा मांग के क्या करोगी, दो असुर तुम्हारे उदर में प्रवेश कर चुके हैं और दोनों वैकुंठ से सनकादि कुमारों के शराब से तुम्हारे उदर में आए हैं और ये तो संसार में त्राही त्राही मचाए देंगे, ब्राह्मण को यज्ञ नहीं करने देंगे, गाय को गाय का सेवा नहीं करने देंगे और ये यज्ञ गाय ब्राह्मण देव की पूजा नहीं करने देंगे। दिति ने बोला मेरे ऊपर कृपा करो, कुछ कुछ इसमें लीनियंसी करो, कुछ थोड़ा सा। बोला फिर ठीक है, एक बात आपको कहते हैं, आपका पोता ऐसा भक्त होगा जिसका कोई नाम लेगा तो इसका हृदय शुद्ध हो जाए, तेरे घर में प्रहलाद पैदा होगा, वो तुम्हारा पोता होगा और तुम्हारे इन दोनों बच्चों को मारने के लिए स्वयं भगवान दो बार अवतार लेकर आएंगे। दिति कहती है धन्यवाद, आपने कृपा कर दी, ब्राह्मण के शराब से मरते तो मेरे बच्चों की अधोगति होगी, भगवान आएंगे तो सदगति होगी। आज ये दो असुरी प्रवृत्ति का संतान यहाँ पैदा अदिति के गर्भ में आया और देवता भयभीत हुए, चारों ओर आंधी आने लगी, सब धर्म उल्टा होने लगा। देवताओं ने कहा ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है, ये सब चारों ओर से ऐसे क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी ने कहा ये भगवान विष्णु के दो पार्षद सनकादि कुमारों के कारण प्रवेश किए हैं दिति के गर्भ में, अब भगवान अपनी तरफ से उसका समाधान करेंगे, आप निश्चिंत हो जाइए। अब समय आने के ऊपर दोनों का जन्म हुआ, जो पहले आया वो हिरणाकश, जो बाद में आया वो हिरणाकशिपु, लेकिन दोनों हैं लोभ की प्रधानता है। हिरण्य का मतलब है सोना और इक्ष का मतलब है आँख, जिसकी आँख सदा सोने के ऊपर लगी रहे वो हिरणाकश, तो हिरणाकश लोभ का प्रतीक है और हिरणाकशिपु हिरण्यकशिपु मतलब जिसका सोने का बहुत सुंदर पलंग हो उसको हिरणाकशिपु कहते हैं। तो ये दोनों लोभ की प्रधानता से हिरणाकश और हिरणाकशिपु हुआ, काम की प्रधानता से रावण हुआ और क्रोध और द्वेष की प्रधानता से शिशुपाल हुआ। ये तीनों काम क्रोध लोभ नरक द्वारम, ये तीनों जो भगवत गीता में भगवान कहते हैं काम क्रोध लोभ और उन तीनों के प्रतीक, ये तीन बड़े असुर हैं, एक लोभ का प्रतीक है, एक काम का है और एक क्रोध का है, और तीनों ये पहले हिरणाकश और हिरणाकशिपु ने बहुत बड़ी तपस्या की, ब्रह्मा से वरदान किया लिया और हिरणाकशिपु बड़ा हिरणाकश जो था उसने अपने भाई को खुश करने के लिए चारों ओर से उठा के गदा और घूमने लगा, स्वर्ग के देवता काम के भाग गए और सीधा वो वरुण के लोक में चला गया और वरुण को कहा मेरी इच्छा है थोड़ा मेरे से तुम युद्ध करो, मेरा मन करता है। वरुण ने कहा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे से युद्ध नहीं हो सकता है, लेकिन लगता है कि तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे, इसलिए इस वक्त भगवान ने वारा देव का अवतार लिया है, जाओ उससे लड़ाई करो, मेरा जान छोड़ो। वरुण ने उसको वहां से निपटा दिया और ये बाहर निकल के पूछता है कहाँ है, नारद कहता है ये कश्यप पुत्र हिरणाकश किसको ढूंढ रहे हो? बोलो वारादेव कहाँ है? बोलो वो देखो पृथ्वी लेके जा रहा है। अब वारादेव को पृथ्वी ले जाके देखा तो हिरणाकश बोलता है रुको कहाँ जाते हो, हमारे से युद्ध करो, हमारी पृथ्वी को क्यों ले जाते हो, चोरों की तरह क्यों भागते हो? दोनों कानों में वारादेव ने पलक डाले हुए थे क्योंकि वो पृथ्वी को ले जा रहा था, कुछ सुनने को तैयार नहीं था। ये कुछ भी कहे, वारादेव ने जाके पृथ्वी अपने ऑर्बिट में स्थापित की और उसके अंदर अपनी शक्ति को प्रवेश किया, फिर मुड़ के देखा हे कुत्ते हम तो जंगली सूकर हैं, कुत्तों को ढूंढते रहते हैं, आओ इधर। इससे बहुत बड़ी शिक्षा ये दी वारादेव ने, जो काम हाथ में है चाहे कोई बदमाश चिढ़ाए तो भी क्रोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो जो काम जिसके लिए अवतार हो लिया था पृथ्वी को स्थापित करने के लिए वो बीच में लटक जाए तो फिर अवतार का उद्देश्य पूरा नहीं होता है, तो पहले अपने काम को पूरा करना चाहिए। क्रिया प्रदान अवतार वारादेव है, क्रिया से पृथ्वी को ऊपर लानी है, काम करना क्रिया करना इस सिखाने के लिए भगवान ने। अब मुड़ के जब हिरणाकश और फिर हिरणाकश और वारादेव का युद्ध हुआ और वारादेव के हाथ से गदा गिर गई और उस वक्त हिरणाकश कहता है पहले गदा उठाओ फिर युद्ध करेंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई वारादेव को, नेम से युद्ध करता है, असुर है फिर भी नेम का पालन करता है।
युद्ध एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन तक युद्ध चला, ये लंबा युद्ध चला, और जल के अंदर गर्भ याद सागर में युद्ध हो रहा है। अब तो एक टांग मारी तो गदा गिर गई, अब हिरण्यकश्यप की, तो वराहदेव ने कहा अपनी गदा उठाओ। उसने बोला मेरा नाम है असुर, मैं आपसे सुर नहीं मिलाऊंगा, मैं गदा नहीं उठाऊंगा। भाई असुर का मतलब आ गया नहीं भगवान की माने, यही अंतर है, नहीं उठाओ नहीं उठाऊंगा। उसने त्रिशूल उठाया, गदा उठाई नहीं और त्रिशूल उठाया, भगवान ऐसे सुदर्शन चक्र निकाला लेकिन एक लात मारी त्रिशूल हट गया। ब्रह्मा जी चार मुंह हैं, आठ हाथ हैं, हे वराहदेव शाम हो रही है और शाम का असुरों का बल बढ़ जाएगा, अब इससे आप खेलना बंद करो। भगवान कहते हैं मेरे अपने धाम से आया हुआ है, मेरा अपना पार्षद है, मैं तो थोड़ा अपने हाथों का मसाज करा रहा हूँ। तो कोई तो हमको दिखता है कि वो असुर है और युद्ध है, और भगवान तो उसको जानते थे कि ये मेरा, और कितना उनका जय इस पार्षदों की कितनी शक्ति है, कितना वैभव है, इसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता। देवता तो उनके साथ हाथ सामने हाथ जोड़ के कांपते थे। नारद कहेगा आगे कि मैं तो उनके गुणगान करता था, वो कहते थे मेरे गुणगान कर रहा भगवान, मैं आपका नहीं उनका गुणगान करता था। भगवान ने पूछा क्या गुणगान करते थे, बोला यही कहता था आप तो भगवान के पार्षद जय विजय हो, कहाँ यहाँ आ गए हो, कब वापस जाओगे। तो मैं तो इनके गुणगान किया करता था। तो ये सब ऐसे हिरण्यकश्यप नहीं, उसकी प्रजा कहे वर्षा हो जाए तो वर्षा हो जाए, वो कहे अभी आम चाहिए तो दिसंबर में आम नीचे गिरते थे, तो उसमें इतनी शक्ति थी। एक जगह रामायण के अंतर्गत वर्णन है कि जब कुंभकर्ण मारा गया, मेघनाथ मारा गया, तब रावण बलि महाराज के पास गया सूतल लोक में, कहा आप तो हमारे असुरों के अधिपति रहे हो, इस वक्त मैं बड़े संकट में हूँ, युद्ध में मेरा सारा परिवार मारा गया, बड़े मेरे वीर सारे योद्धे मारे गए, और इंद्रजीत मेघनाथ का भी वीर गति हो गई। तो पूछा कौन है ऐसा, तुमको क्या चाहिए, बोला सहायता चाहिए, किससे युद्ध है, बोला दो राम लक्ष्मण दो मानव है उनके साथ मेरा युद्ध हो रहा है। बलि महाराज ने कहा आइए एक मिनट हमारे पीछे बगीचे में, एक मिनट आपको दर्शन कराते हैं। पीछे ले गए तो एक बहुत बड़ा त्रिकोण सोने का पर्वत पड़ा था, बोला इसको उठाओ। रावण ने कहा मैंने हिमालय को हिलाया था, बोला इसको उठाओ। वो सोने के त्रिकोण पर्वत के नीचे हाथ डाल के रावण ने प्रयास किया, उठा नहीं। बोला क्यों नहीं उठता है, बोला नहीं उठता है। बोला ये हमारे दादा हिरण्यकशिपु का एक कान का इयर रिंग है, ऐसे दो पहन के वो लड़ाई करते थे, तुमसे ये एयरिंग एक उठता नहीं है, और उस मेरे दादा को नरसिंह देव ने गन्ने को जैसे हाथी तोड़ता है ऐसे उसके आंत तोड़ दिए थे, तुम जल्दी यहाँ से जाओ, मैं राम से लड़ने तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, ये उठाओ तो बात करो। तो ये इतने बड़े महान बलि थे जो वैकुंठ से भगवान की इच्छा से उतर के आए थे, तो वैकुंठ से उतरने वाले की इतनी शक्ति है कि देवता भयभीत होते हैं, जो वैकुंठ में रहते हैं उनका वैभव कैसा होगा। ये तो वैकुंठ का एक थोड़ा सा नमूना दिखाना था भगवान को कि वैकुंठ में कितने शक्तिशाली लोग रहते थे, दरबान थे बेचारे, दरवाजे के ऊपर खड़े होने वाले थे। तो आज हिरण्यकश्यप जब ब्रह्मा जी ने कहा शाम हो गई है, तब वराहदेव ने कहा ठीक है अब खेल खत्म करते हैं, एक मुख जबड़े के ऊपर दे मारा हिरण्यकश्यप पे, हिरण्यकश्यप नीचे गिरा, हिरण्यकश्यप के प्राण निकल गए। अब भगवान ने मारा, सदगति होनी चाहिए, लेकिन भगवान ने कहा अब तुम जल्दी जाके रावण बन जाओ क्योंकि तुम्हारे को टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मेरे को वापस ले जाना है। और फिर ब्रह्मा जी ने कहा जय वराहदेव की, अब तो देवता सब बाल बाल ठीक करके आए। बोला बहुत धन्यवाद, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है, अब तो वराहदेव की पूजा करने लगे। तो यहाँ 19 अध्यायों में वराहदेव के इस, और फिर यहाँ श्रुति फल लिखा है, इस वराहदेव के क्रिया प्रदान अवतार का वर्णन जो सुनेगा उसको संसार के अंदर सुख धन धान्य पुत्र और भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। और फिर यहाँ ये दूसरी सृष्टि की तरफ चलते हैं। अब पृथ्वी को जब स्थापित किया तो शत्रुपा और मनु
स्वयंभू, इनके दो पुत्र हुए। पहले पुत्र का नाम उतानपा, दूसरे का नाम प्रियव्रत। इनको तीन पुत्रियाँ हुई, पहली का नाम देवहूति, दूसरी का आकुटी, तीसरी का प्रसूति। तो ये दुनिया के अंदर पहली सृष्टि में बच्चे दो हैं, पुत्रियाँ तीन हैं। लड़कियाँ पहली सृष्टि में ज़्यादा थी। दूसरी सृष्टि में देवहूति की नौ कन्याएं, एक पुत्र। तो कन्याओं की संख्या पृथ्वी में भगवान ने सृष्टि में ज़्यादा रखी है। ये मूर्ख जो अभी जन्म से पहले कन्या को मारते हैं, ये धर्म का विरोध कर रहे हैं, ये अपराधी हैं, ये पापी हैं, दुराचारी हैं। दुनिया में दो बड़े पाप हो रहे हैं, इसलिए कोई सुखी नहीं है। एक पाप गौ की हत्या हो रही है, और दूसरा पाप जन्म से पहले भ्रूण हत्या हो रही है। ये दो पाप पूरी दुनिया का सत्यानाश कर रहे हैं। ये दो पाप रुक जाएं, दुनिया वैकुंठ बन जाएगी। ये दो पाप पूरे विश्व के अंदर हो रहे हैं। सबसे बड़े दो पाप दुनिया में ये हो रहे हैं, गौ का वध और जीव आत्मा को आने से पहले मार देते हैं। तो यहाँ तीन पुत्रियाँ हुई, दो पुत्र हुए। तो तीसरे स्कंद में देवहूति के विवाह का वर्णन है। तो कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी की छाया से ब्रह्मा जी का पुत्र है, और ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि करो। बोला पिताजी मैं तपस्या करके पहले अपने जीवन को संयम में कर लूं, गृहस्थ में जाने से पहले ब्रह्मचार्य का पालन अनिवार्य है। अगर ब्रह्मचार्य ठीक नहीं है तो गृहस्थ उसका कच्चा है, वो सदा दुखी रहेगा। तो कर्दम मुनि गुजरात में सिद्धपुर नाम के स्थान के ऊपर सरस्वती के तट पे तपस्या करने में संलग्न हो गए, और तपस्या इतनी अद्भुत की कि भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर चढ़ के आए और आके उसकी तपस्या को देखा, तो विष्णु भगवान के आंख से एक आंसू गिरा और उस आंसू से बिंदु सरोवर बना। उस बिंदु सरोवर के तट के ऊपर कर्दम को कहते हैं मेरी तपस्या, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हो गया कर्दम, तुम्हारी हृदय में तुम्हारे पिता की आज्ञा पालन करके सृष्टि बढ़ाने की इच्छा है, तो तुम शांति से मेरे भजन करते रहो। आने वाले तीन दिन में अपने आप स्वयंभू मनु अपनी पुत्री को लेकर आएगा और तुम्हारे को विवाहने का प्रस्ताव रखेगा, तुम उसको स्वीकार करना। फिर भगवान ने कहा इस विवाह की इच्छा है, एक और आंसू भगवान का गिरा, तो बिंदु सरोवर भगवान के दो आंसुओं से बना हुआ है। अब कर्दम मुनि अपनी कुटिया में यहाँ तप कर रहा है, वहाँ स्वयंभू मनु ने अपनी बेटी को लिया, अपनी पत्नी शत्रुपा को लिया, रथ के ऊपर बैठा, गृहस्थ के लिए जो जरूरी सामग्री है भोजन पकाने की कपड़े वो लिए और सीधे कर्दम की कुटिया के ऊपर आए और कर्दम को प्रणाम किया। कर्दम बड़ा भाई है, मनु भी ब्रह्मा का पुत्र है, पुत्र है, लेकिन कर्दम उनसे बड़ा है। कर्दम ब्राह्मण है, मनु क्षत्रिय है, क्योंकि बाजू से उत्पन्न हुआ है, बाजू से उत्पन्न होता है वो क्षत्रिय होता है, बाजू क्षत्रिय का प्रतीक है। तो क्षत्रिय की मर्यादा को पालन करते हुए अपने बड़ी भाई को प्रणाम किया, ब्रह्मा का पुत्र है वो, और पूछा आपका राज ठीक चल रहा है आपकी। तब कर्दम ने पूछा महाराज मनु आप तो सम्राट राजा हैं मानवता के, प्रजा ठीक है, आपका राज ठीक चल रहा है, प्रजा को जलपान भोजन की व्यवस्था ठीक है, धर्म कर्म हो रहा है। मनु ने कहा आप तो मुझे राज धर्म की शिक्षा दे रहे हैं इन प्रश्नों के माध्यम से, आप ब्राह्मणों का धर्म है हम राजाओं को शिक्षा देना, वो सब ठीक चल रहा है। इस वक्त मैं भगवत प्रेरणा से अपनी इस बहुत सुंदर ये शीलवती और यशस्वी मेरी पुत्री को लेके आया हूँ, और मैं उसका प्रस्ताव आपसे विवाह करने के लिए लाया हूँ। हम दोनों पति पत्नी आपको संकल्प करके ये कन्या का दान करना चाहते हैं, आप इसमें अब ना मत करना, इसका प्रतिवाद मत करना। उस वक्त कर्दम कहता है भगवान विष्णु ने मुझे ये पहले बता दिया था, मैं आपके प्रस्ताव को स्वीकार करता हूँ। ये पहला विवाह इस धरती के ऊपर माता पिता ने अपनी कन्या का एक योग्य ऋषि को अपनी पुत्री दी। मनु राजा है पूरे इस ब्रह्मांड का, और कर्दम एक कुटिया में रहने वाला ब्राह्मण है, लेकिन योग्य पुरुष को माता पिता ने अपनी कन्या को ला के विवाह कराया। कोई कार्ड छापने का वर्णन है ही नहीं भागवत में। बेकार के आदमी बुलाकर और बड़ा पंडाल लगाने का वर्णन है ही नहीं, कुछ बेकार का दिखावा एक पैसे का नहीं है। इससे सीधा समझ में आना चाहिए भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का विवाह करने दशरथ गए थे,
वो भी अपने परिवार, स्त्रियां भी घर से नहीं गई थी, गुरुजनों को ले गए थे और चारों का एक समय एक ही जगह पे विवाह करा के आ गई। पैसा नहीं था दशरथ के पास, वो राजा को गरीब था, नहीं, विवाह का उद्देश्य होता है संबंधियों के अंदर प्रेम का परस्पर रिश्ता होना चाहिए। आज के विवाह के अंदर सबसे आखिर में और सबका बच्चा हुआ झूठा भोजन किसको मिलता है? दूल्हा राजा को। सारे बदमाश कपड़े किराए के लेके आके माल खा जाते हैं और एंड में जो बचा खुचा होता है गरम करे एंड में, और दूल्हा और दूल्हा के बाप को खिलाया जाता है। बहुत अधर्म हो रहा है धर्म के नाते में। ये दिखावा ठीक नहीं है। अपनी कन्या को जो देना है वो दे दो, लेकिन दुनिया में दिखावा करके विवाह के नाम में ये हवाई जहाज में विवाह हो रहा है और हर यात्री को एक मारोती दी जा रही है, ये सब अडंबर है। और इसके लिए ये कलयुग का प्रतीक है। कलयुग, महाराज युधिष्ठिर ध्यान में बैठते थे 2 घंटे रोज भगवान श्री कृष्ण के, और चारों भाइयों को दरवाजे पे खड़े करते थे, किसी का कोई समस्या हो तो समाधान कर देना। और एक दिन एक आदमी भागता हुआ आया और उसने भीम को कहा कि महाराज से मिलना है। बोला, महाराज श्री कृष्ण भगवान के स्मरण में है, बोलो आपकी समस्या क्या? बोला, समस्या सुननी है तो सुन लो। एक आदमी पानी का एक बड़ा बाल्टी निकाला कुएं से और 9 बाल्टी भर दी। बोला, अच्छा किया, बड़ी बाल्टी होगी, ताकत वाला आदमी होगा, मैं 50 बाल्टी निकाल सकता हूँ। भीम ने बोला, इसमें क्या? बोला, ये बात नहीं है, बात ये है वो 9 बाल्टी वापस उस बाल्टी में डाली, वो आधी भी नहीं थी। बोला, ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न है, महाराज से पूछ लो। आगे चला गया, अर्जुन खड़ा था, अर्जुन को बोला, महाराज से बोलना है। बोला, महाराज इस वक्त नहीं मिल सकते, ध्यान में बोलो समस्या क्या है। बोला, समस्या ये है कि खेत बहुत बड़ा हरा भरा था, चारों ओर उसके एक बाढ़ लगी हुई थी कि खेत को कोई खा ना जाए। आश्चर्य तो ये है, वो बाढ़ उठ के खेत को संध्या सत्यानाश कर रही थी। अरे बोला, खेत बाढ़ खेत को कैसे खाएगी, वो तो खेत की रक्षा के लिए, बोला, खा रही थी। बोला, ये तो महाराज को पूछो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तीसरे नकुल को बोला, महाराज से मुझे जल्दी मिलना है, मुझे जाने दीजिए। बोला, मैं आपकी सेवा में खड़ा हूँ। बोल दो, आप सेवा में खड़ा है तो सुन लो, गाय ने बछड़ी को जन्म दिया, होना चाहिए कि बछड़ी को चाट के गाय को साफ करना चाहिए, गाय बछड़ी को खा गई। बोला, ऐसे तो कभी हुआ नहीं। बोला, हुआ। चौथे दरवाजे के ऊपर सहदेव को कहता है, महाराज से मिलना है। बोला, नहीं नहीं, मैं समस्या का सा बोलो सुन लो, एक आदमी सुई के छोटे सोराख के अंदर से हाथी को डाला, हाथी निकल गया, पूछ अटक गया, पूरा हाथी निकल गया, पूछ अटक गया। बोला, अटक गया। बोला, ये तो महाराज से पूछो, मुझे पता नहीं लगेगा। अब एक कपड़े का दरवाजा पर्दा लगा हुआ था, ये खड़ा हुआ कहता है, महाराज 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 मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, पहाड़ी रास्ता है एक पगडंडी का और कोई रास्ता नहीं है जाने का, और बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, वो रास्ता बंद हो गया है। अचानक कहीं से एक साधु आया, अपने गमछे से एक धागा निकाला, पत्थर को ऐसे फेंका, पत्थर दूर चला गया, रास्ता खुल गया। युधिष्ठिर ने कहा, इसको पकड़ो पकड़ो, जाने मत देना। तब तक वो आदमी भाग गया। चारों भाई आए, पूछा के, महाराज कौन था आप पकड़ो पकड़ो कह रहे थे? बोला, ये कौन था, ये आपने इसको आने क्यों क्यों दिया? बोला, महाराज आने की बात बाद में करते हैं, पहले इनने जो प्रश्न पूछे उनका उत्तर तो बताओ, ये कौन था? महाराज युधिष्ठिर कहते, ये कलयुग था, ये हमको सावधान करने आया था। भीम ने कहा, मुझे उसने कहा पानी का एक बाल्टी से 9 भर गए, 9 वापस डाले, आधी पड़ी थी, महाराज इसका अर्थ क्या है? बोला, इसका अर्थ ये है, कलयुग कह रहा था पहले घर में एक बाप कमाता था, 9 घर में सदस्य होते थे, सबका पेट भरता था, सबका पालन पोषण, सबका शादी, सबकी पढ़ाई, सबको घर। और कलयुग कहता है, अब 9 के 9 बाप जब बूढ़ा होगा तो उसका पेट पालन करे नहीं, उसकी खटिया घर से बाहर निकालेंगे कि जाओ तुम जाके बूढ़ा आश्रम में रहो। ये कलयुग का पहला चिन्ह है। पहले एक बाप 5-5, 10-10 बच्चों को पालते थे, अब 10 बच्चे मिलके एक बूढ़े बाप को पालने के लिए तैयार नहीं है, घर से निकाल देंगे। ये कलयुग का पहला प्रदा। अर्जुन कहता है, मुझे तो कहा कि बाढ़ खेत को खा रही है। बोला, इसका अर्थ है जिसको रक्षक रखोगे वो ही तुम्हारा भक्षण कर देगा, जो तुम्हारा बॉडीगार्ड होगा वही तेरे को गोली मारेगा। ये कलयुग का पहला, कलयुग ने आपको ये सीधा सा संदेश दे दिया है कि जिसको रक्षक करोगे वही भक्षा करेगा। एक बार एक बस को लूटा पाकिस्तान में डाकुओं ने।
अंदर से 16,000 रुपये मिले, उनके मुंह के ऊपर मारे हो, भलो अपने पैसे बदमाशों, इतने छोटे कम पैसे लेके सफर करते हो। तो एक साधु बैठा था, बोला तुम्हारे 16,000 में नुकसान क्या है? बोला 25,000 सुबह पुलिस को देना पड़ेगा। क्या 9 घर से देंगे? 25 तो उनको देना होता है तब डाका डालते हैं, मुफ्त में तो नहीं डालते हैं। अब 16 मिले के 9 घर से भरेंगे? तो कलयुग में जो रक्षा करने वाला है वही भक्षण कर रहा है, ये तो कलयुग के लक्षण है। और तो भागवत तो लिखती है कि इतनी सरकार की टैक्स बढ़ जाएगी कि लोग गांव छोड़ के जंगल में चले जाएंगे। तब नकुल कहता है मुझे तो उसने कहा गाय ने बछड़ी को खा गई। बोला लड़की के जन्म के ऊपर माँ बाप दुखी होके उसको मार देंगे, ये कलयुग का बहुत बड़ा भयानक परिणाम संसार को देखना पड़ेगा। सहदेव कहता है मुझे तो कहाँ हाथी निकल गया, सुई के सोराख से पूँछ चटक गई। बोला ये लोग शादी के अंदर लाखों रुपया खर्च करेंगे, लेकिन अगर कहेंगे उसको भगवान को भोग लगाने के लिए 56 भोग में एक प्लेट आओ, बोला अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। लाखों रुपये खर्च करेंगे लेकिन पूछ अटक जाएगी, हाथी सारे का सारा निकल जाएगा। धर्म के लिए रुपया देने में, शादी में 50 लाख रुपये खर्च करेंगे और पंडित जो सुहा करके दोनों का पति पत्नी का हथले उसको 11 महाराज तुम 500 में काम चल जाए तो ठीक है। 50 लाख, 1,150 रुपये की प्लेट गधों को खिलाते हैं, बदमाशों को खिलाते हैं, और पंडित को 1,100 रुपये देने में उनको बुखार आता है, नहीं देते हैं, ये कलयुग का। तो महाराज से पूछा आपको क्या कहा? बोला मुझे कहा कि एक ही पगडंड इस, और वो भी पहाड़ी रास्ते पे है, लेकिन पत्थर बहुत गिरे हुए हैं, रास्ता बंद है, ये कलयुग के अंदर और कोई साधन नहीं चलेगा, बस एक ही रास्ता है नाम संकीर्तन का, लेकिन वो भी कोई साधु अगर गमछे के धागे से ये रास्ता खोलेगा, कृपा करके भगवान का नाम देगा तो हम भगवत धाम जाएंगे, नहीं तो सब इस संसार में सड़ते रहेंगे, ये मुझे उसने संकेत दिया है। तो अब कलयुग में एक भगवती का रास्ता है, उसके ऊपर भगवान का नाम जप के अगर भगवत धाम जाना है तो ठीक है, नहीं तो बाकी रास्ते सब बंद हैं, कलयुग में और कोई रास्ता खुला नहीं है। तो बात हम ये कर रहे थे कि करदम का विवाह मनु कन्या को देके कन्यादान करके अपने राज में वापस चला गया, और देवहूति राज कन्या होते हुए भी पेड़ के नीचे रहने वाले ऋषि की सेवा में लग गई। उसके ऊपर श्रद्धा थी, विश्वास था, प्रेम था, दंपत्य धर्म निभाने की इच्छा नहीं थी, पति की प्रसन्नता उसके जीवन का लक्ष्य था। दुबली पतली हो गई, शरीर कमजोर हो गया, कंदमूल खाते हुए, वो तो राजा की पुत्री बड़े लाड से पली थी, लेकिन अपने पति की सेवा में इतनी संलग्न थी। एक दिन करदम प्रसन्न होकर कहते हैं कि मैं आपकी सेवा से मनु कुमारी संतुष्ट हुआ हूँ, तुम्हारी क्या इच्छा है? बोला मेरे पिता ने जब विवाह किया था तब आपने दंपत्य जीवन में प्रवेश करने का संकल्प किया था, अब उसको पूरा करने के आप पूछते हैं तो मेरी इच्छा है। करदम मुनि ने अपने योग बल से एक ऐसा सुंदर विमान तैयार किया जो पानी में चल सकता है, धरती पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है, ऐसे उसके अंदर उद्यान, ऐसे कमरे, वो उसको घंटों तक वर्णन करना, इतना सुंदर विमान बना लिया। लेकिन देवहूति फिर भी सर नीचे करके बैठी थी। करदम ने संभाल देखा कि ये बेचारी दुबली पतली हो गई है, बड़ी तपस्या की है मेरे साथ। करदम ने कहा ये सरोवर बिंदु में नहा लो। देवहूति नहाने के लिए अंदर गई, विद्याधर स्त्रियों ने उसको बहुत बंद सुगंधित तेल से स्वर्ग के स्नान कराया, बाहर निकली तो सुंदर बहुत, वापस जैसे मनु कन्या थी ऐसे अब विद्याधर कन्याओं के संग में मनु और करदम मुनि और देवहूति ने नंदन कानन का शेर किया, जाके पूरा स्वर्ग लोक का भ्रमण किया। और जब वहाँ से वापस लौटे तो करदम ने अपने आप को 9 में विभाजित किया और देवहूति को 9 कन्या का जो है वो संतान उत्पन्न हुआ। और ये 9 कन्या इतनी अद्भुत है, उसमें से एक अनुसूया है जिसका विवाह अत्रि के साथ हुआ, एक अरुंधति है जिसका विवाह वशिष्ठ से हुआ। ये 9 कन्याएं 9 ऋषियों को दी गई, जिसका संतान हम हैं, हमारे सारे गौतर इन ऋषियों से चलते हैं। और उस वक्त स्वयंभू मनु ने आके कहा इन अपनी बड़ी कन्याओं का विवाह इन ऋषियों के साथ करा दो। अब करदम ने कहा मैं जाऊं तपस्या करने के लिए,
तब देवहूति कहती है कन्याएं तो विवाह करके अपने पति के घर चले जाएंगे, मेरा संरक्षण कौन करेगा। अभी मनु जी आपकी ही मनु संहिता में लिखा है कि स्त्री इस कन्या एक अवस्था कन्या होती है जब पिता उसका संरक्षण करता है, दूसरा स्त्री का अवस्था होती है जब पति उसका संरक्षण करता है, और पति किस कारण से संन्यास ले ले अथवा धर्म के किसी काम में लगे तो बड़े बेटे को अपनी माँ का देखभाल करके उसकी जरूरत पूरी करके उसका संरक्षण करना चाहिए। तो बेटियाँ तो चली जाएंगी, मैं किसके पास रहूँगी। और तब कर्दम ने कहा, मुझे भगवान ने कहा था मेरे घर में पुत्र के रूप में आएगा, और देहूति का अर्थ भी ये है कि जो भगवान को अपने बेटा बनाने की जिसमें सामर्थ्य हो, जिसमें शक्ति हो। आज कर्दम ने कहा मैं और समय रहूँगा, आपको एक पुत्र दूंगा, उसके बाद मैं तपस्या करने चला जाऊँगा। समय आने के ऊपर गुंघरों सोने के कलर के गुंघरालू बाल वाला अद्भुत कपिल देव आज देवहूति के घर में प्रकट हुआ है, और इसको प्रार्थना करने के लिए मनु आदि आए हैं। ये भगवान का अवतार है, ज्ञान प्रदान अवतार है। ये कोई चीज़, ये छोटा मोबाइल भी कोई बनाती है कंपनी तो इतना बड़ा किताब साथ में छापती है कि इसको ऐसे चलाओ। जब ये सृष्टि पूरी बना रहा है मनु, तो फिर सृष्टि को चलाने के लिए कोई नेम भी होना चाहिए। तो वो शिक्षा देने के लिए भगवान का ये दूसरा क्रिया प्रदान, ये ज्ञान प्रदान अवतार कपिल देव का तीसरे स्कंद का 20वें अध्याय से ये काम शुरू होता है और 33 अध्याय तक चलता है। आज जैसे कपिल देव भगवान का प्रकट हुआ है, कर्दम ने उसको प्रणाम किया है, कहा अब बेटा मैं तपस्या करने जाऊं। भगवान घर में आए हैं लेकिन फिर भी कर्दम की तपस्या में बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा है, क्योंकि ब्रह्मचार्य का इतना अच्छा पालन किया हुआ था, गृहस्थ के धर्म को पालन करके फिर वानप्रस्थ में जाने की उसकी तीव्र इच्छा थी। तो ये अब पक्का, पहले जिसका फाउंडेशन अच्छा होगा, जिसका नींव अच्छी होगी, वो जीवन में अंत में भगवत प्राप्ति के साधन में आगे बढ़ सकता है, लेकिन जाने में मुझे संकोच हो रहा है। तब कर्दम को कपिल देव कहता है, पिताजी जो मैं आपको ज्ञान दिया और आप मेरा ही ध्यान करने जा रहे हैं, आप निश्चित हों के जाइए, मेरी माता को मैं वही दिव्य ज्ञान दूंगा जिससे ये भगवत धाम जाएगी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, इसका मैं देखभाल करूंगा। तब कर्दम प्रणाम करके परिक्रमा करके कपिल देव की ओर कर्दम तो आगे चला तपस्या करने के लिए। माता देवहूति एक दिन कहती है, ये स्थान कौन सा है आपको दोबारा बताऊं, ये बिंदु सरोवर सिद्ध स्थान सिद्धपुर में स्थान है, ये अहमदाबाद से 2 घंटे की ड्राइव के ऊपर हाईवे के ऊपर है, वो जगह है, उसका नाम है बिंदु सरोवर। वहाँ एक मंदिर लिखा हुआ है कपिल देव का प्रकट्य स्थान, और वहाँ देवहूति और कर्दम मुनि के जो है वो विग्रह उधर स्थापित हैं, और उस स्थान का नाम है मातृगया, के माताओं के उद्धार के लिए जैसे कपिल देव ने अपनी माता को दिव्य सांख्य भक्ति योग का जो ज्ञान दिया जिससे उसका उद्धार हुआ, तो माताओं के उद्धार के लिए आज भी लोग वहां जाके तर्पण करते हैं, और वहां परशुराम जी की मूर्ति स्थापित की है कि परशुराम अपनी मात्रा रेणुका के उद्धार के लिए सिद्ध आश्रम में बिंदु सरोवर में आके तर्पण किया था उसका। जैसे पितृ गया गया को बोलते हैं, ऐसे मातृगया सिद्धपुर है, और वो बिंदु सरोवर ब्रह्म गर्ग संहिता के अनुसार 100 साल की जुदाई के बाद राधा और कृष्ण के मिलन का स्थान है। राधा और कृष्ण 100 साल की जुदाई के बाद बिंदु सरोवर में स्नान करने वाले को लिखा है तत्काल भगवान श्री कृष्ण से मिलन होता है। ये सुनकर राधा रानी ने कहा क्या है, दोबारा पढ़ो चंद्रानन, हे चंद्रमुखी गोपी दोबारा पढ़ो क्या लिखा है। बोला लिखा है जो बिंदु सरोवर में एक बार नहाएगा तत्काल श्री कृष्ण का दर्शन करेगा। बोला चलो बिंदु सरोवर। अब सारी गोपियां रथ के ऊपर चढ़ के बिंदु सरोवर में आई, और वहां से सारी भगवान अपनी रानियों के साथ द्वारका से यदुवंशियों के साथ बिंदु सरोवर में आए हैं। राधा रानी नहा रही है, गोपियां चारों ओर खड़ी हैं डंडा उठा के, इतनी देर में संदेश वो यदुवंशियों को भगा दिया जाने से बिंदु सरोवर। उन्होंने कृष्ण को कहा ये कौन है जो हमको अंदर नहीं जाने देते। बोला ये वृषभानु नंदनी नहा रही है और वो आपको वहाँ नहीं जाने देंगे, आप उसको मेरा संदेश भोजो कि श्री कृष्ण याद कर रहे हैं। अब जैसे नहा रही है राधा रानी तब तक संदेश आया कि श्री कृष्ण बुला रहे हैं। तो बिंदु सरोवर में नहाने वाला तत्काल श्री कृष्ण से मिलता है। फिर राधा रानी कैसे जाके मिलती है,
उनसे, ये तो बहुत बड़ी लंबी कथा है, आज के विषय ये नहीं है, अपन यहाँ से आगे चलते हैं। एक दिन देवहूति कहती है, मैं कहाँ इतने बड़े ऋषि की पत्नी होने के बाद भी मैं भोग विलास में लग गई, बेटा मुझे तुम कल्याण का रास्ता बताओ। और तब कपिल देव ने माता देवयुति, देखो भागवत में सबसे बड़ा उपदेश 11वें स्कंद में उद्धव गीता है भगवान श्री कृष्ण का, दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उपदेश कपिल उपदेश है देवहूति को। तो स्त्री बहुत सूक्ष्म तत्व सांख्य दर्शन को समझ सकती है, स्त्री अधिकारी है दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की। इसका उदाहरण देवहूति को कपिल देव की ये सांख्य दर्शन का शिक्षा है। माता देवहूति को पहले कर्दम मुनि ने कहा कि भगवान का ध्यान चरणों से करना चाहिए, भगवान के मंदिर में जाके मूर्ति का दर्शन करना है तो चरणों से करके मुख तक जाओ, और फिर मुख से चरणों तक, फिर चरणों से मुख तक। आज भगवान ने कौन से वस्त्र पहने हैं जरा बताइए गौर निताय ने, भगवान मदन मोहन के कौन सा ड्रेस पहना हुआ है जरा बताइए, पिंक, बहुत अच्छा। नित्यानंद की धोती कैसी है, पिंक नहीं है इतना मैं बोलता हूं, दर्शन इसको कहते हैं। कुछ समय खड़े हो जाओ, पहले तो भगवान के चरणों में लगे हुए तुलसी दल को देखो, उसके ऊपर लगे हुए चंदन को देखो, भगवान के नाखून को देखो, ये 10 नख चंद्र है भगवान के चरणों में, ये चांद चंद्रमा है 10 पूरे। उनका ठीक तरह से दर्शन करने के बाद भगवान के एंकल के ऊपर जो कभी फूलों का और कभी एंकल बेल लगाते हैं उसका दर्शन करो, फिर भगवान के पहने हुए पीतांबर जो भी है कलर में उसका दर्शन करो, फिर भगवान की कटी प्रदेश के ऊपर क्या बंधा हुआ है इसका दर्शन करो, वक्षस्थल का दर्शन करो, भगवान के हाथ में क्या है ये मुखमंडल का दर्शन करके फिर नीचे आ जाओ। पुराने ज़माने में हर मंदिर के बाहर एक छोटा सा बैठने का स्थान होता था, हम देखते थे बूढ़ी माता अंदर से आके बाहर बैठती थी, फिर थोड़ी देर के बाद वापस अंदर जाती थी। हम अपने मंदिर की बात करते हैं तो हम पूछते हैं, माँ वापस क्यों आई, बेटा क्या भगवान के कान में है मुझे भूल गया, फिर देखने को आई हूँ कि भगवान के कान में क्या आज है, कुंडल कौन से है, मकरात कुंडल मछली वाले हैं के दूसरे वाले हैं। तो इतनी बारीकी से वो भगवान के कान के कुंडल देखती थी, अपने मैच कपड़े पहनने से कोई भला नहीं होने वाला है, भगवान की मैच कपड़े देखा करो। अब आकाश मार्ग से विमानों में चढ़ के देवताओं की स्त्रियां, ऋषि ऋषियों की स्त्रियों के साथ जा रहे हैं, और सती नीचे से देखती है, पूछती है, बहन कहां जा रही, दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जा रही है। स्त्रियों का ये एक स्वभाव है, कहीं से शादी की बारात जाए तो बाहर खड़ी होकर ऐसे देखेंगी, बहन कौन जा रही है, कहाँ जा रही है, ये उन बिचारियों का स्वभाव है। तो सबने कहा, तो ये मुड़ के वापस आई, कहती है शंकर जी, कहती है हे पतिदेव, ये देखो सब लोग मेरे पिताजी के घर में जा रहे हैं, बड़ा यज्ञ हो रहा है, चले ना। शंकर जी ने कहा निमंत्रण आया नहीं है। सती कहती है गुरु के घर से, पिता के घर से, पिता गुरु के घर से, पिता के घर से, मंदिर से अगर निमंत्रण नहीं आए तो भी जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा बात आपकी ठीक है, लेकिन भूल जाए कोई कोई बात नहीं, जानबूझ के निमंत्रण नहीं दे फिर जाए तो अपमान होगा, और अपमान मृत्यु से ज्यादा भयानक होता है। सती उन्होंने द्वेष के कारण हमको निमंत्रण नहीं दिया है। सती ने कहा नहीं नहीं, मैं तो पिता के घर जाना चाहती हूँ, मेरी माँ को मिलूंगी, मेरी बहनें आएंगी, ऐसा बड़ा उत्सव मेरे पिता के घर में और मैं नहीं जाऊँ। शंकर जी ने कहा सती बहुत दुख उठाना पड़ेगा। अब सती को क्रोध आ गया, सती देखने लगी शंकर की तरफ जैसे भस्म कर देगी। यहाँ दूसरी बड़ी अद्भुत शिक्षा मिलती है, पत्नी को अगर माता पिता के घर में जाने से रोकोगे तो जला के भस्म कर देंगे, ये दूसरी शिक्षा बहुत अद्भुत है। अब शंकर जी की गृहस्थी कैसी है ये भी देख लो, शंकर जी का चढ़ने के लिए कौन सी सवारी है, बैल, और माता पार्वती की क्या सवारी है,
दोनों पार्किंग कहाँ करेंगे? शेर खाएगा कि नहीं खाएगा बैल को? हाँ, बैल को खा जाएगा ना शेर। अब गणेश जी घर में किसके ऊपर चढ़ के आएंगे और शंकर जी के गले में क्या है? खा जाएगा कि नहीं खाएगा चूहे को? अब दूसरा बेटा आएगा स्कंद घर में तो किसके ऊपर चढ़ के आएगा? मोर के। और सांप कहाँ जाएगा? भागेगा कि नहीं भागेगा? इतने सारे विरोधी घर में हैं फिर भी शंकर भगवान के ध्यान में बैठा है, क्या सिखा रहा है? बोला गृहस्थ के घर में ऐसे सारे विपरीत हों फिर भी भगवान का ध्यान करोगे तो सुखी रहोगे, नहीं तो विष पीना पड़ेगा, विष के घूंट पीने पड़ेंगे। शंकर जी की गृहस्थी ऐसी अद्भुत है, एक दूसरे का दुश्मन है फिर भी बाबा या कथा करता है या सत्संग या ध्यान में बैठता है, इसलिए शांति में बैठा हुआ है। और विष का घूंट पी के इस घर गृहस्थ को चलाना इतना आसान नहीं है। अब सती ने कहा मैं जाऊंगा, शंकर जी ने कहा अब ये जाएगी जरूर, इसको अभी मैके जाने का भूत लगा है। और शंकर ने कहा मरेगी जरूर, वहां नहीं गई तो यहां मरेगी और वहां गई तो वहां मरेगी, अब मरना ही है तो अपने माँ के बाप के घर में मरे, मेरे घर में क्यों मरे भाई? मरना ही है सती को तो जाए अपने पिता के घर में। बहुत बड़ा सिद्धांत इसमें क्या है शंकर जी का, कि यहां मरेगी तो दक्ष का याद करती हुई मरेगी तो वापस दक्ष के घर में जन्म लेगी, और वहां मरेगी तो मेरा ध्यान होते करते हुए मरेगी तो वापस मेरे पास आएगी, ये मेरी पत्नी है मेरे पास वापस आनी चाहिए ना, आओ जाओ उधर। अब जाओ क्या शंकर चुप। और सती ने क्रोध के बाद अपना सामान समेटा, सारे ड्रेसेस व्रेस कठी कई, अपनी वीणा उठाई, श्रृंगार का सामान बाक्स उठाया, नंदी को, नंदी तैयार हो गया साथ जाने को, सब नंदी के ऊपर अकेली बैल के ऊपर बैठ गई। बैल तो धर्म का प्रतीक है, शंकर जी ही और पार्वती दोनों ऊपर बैठते हैं तब बड़ा प्रसन्न होता है, आज शंकर जी साथ में नहीं है, केवल अकेली शक्ति जा रही है, लेकिन वो वैरागी बाबा साथ में नहीं है, शक्ति बगैर वैराग के अकेली जाएगी तो नाश हो जाएगी, आज बाबा नहीं बैठे हुए हैं। और ये यहाँ से निकले हैं और यज्ञशाला में सती गई है, पिताजी ने देखा नहीं सती की तरफ और ब्राह्मणों ने सती को और सत्कार नहीं किया। माँ ने कहा बेटी तुम आ जाओ, प्रसूति ने कहा, बहनों ने कहा अच्छा बहन आ गई। सती समझ गई कि यहाँ यज्ञ में इस नज़र डाल के बोला अरे शंकर जी के लिए स्थान नहीं है, और ब्रह्मा आदि जिसको प्रणाम करते हैं उसके लिए यज्ञ में स्थान नहीं रखा है, आपने अपमान किया है, महान वैष्णव परम शंभू का वो महाजन है, और दक्ष तुम्हारी मैं पुत्री हूँ, मैं वापस जाऊंगी तो मुझे दक्ष कन्या कहेगा, दक्षाई कहेगा, ये शरीर मैं नहीं रखना चाहती हूँ जिससे आपने शंकर जी का अपमान किया है। वहां तो माता पिता के प्रेम उबल रहा था लेकिन यहाँ यज्ञ में पति के प्रेम से थकी सती क्रोधित हो गई और योग अग्नि से अपने शरीर को त्याग दिया, हाहाकार मच गई, और सती के साथ आए हुए जो गण थे उन्होंने यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। भृगु ने यज्ञ के अंदर आहुति डाली, अंदर से देव कुछ देव निकले और यहाँ से मारपीट के शंकर के गणों को भगा दिया। सती वापस नहीं आई, शंकर तो समाधि में बैठा था कि गई है अपने मैके में, गई है समय होगा तब आ जाएगी। गण वापस लौट के आए लेकिन शंकर की आज्ञा से गए नहीं थे, पिट के आए थे इसलिए कुछ बोला नहीं, चुप करके बैठ गए। नारद जी घूमते हुए कहते हैं हे भोलेनाथ प्रणाम। सती बोला वो तो मैके गई है। बोला गई है नहीं गई थी। हाँ सती, नारद ने तो इतना ही कहा सती गई, और आपके गणों को भी अच्छी मार पड़ी है। शंकर जी ने कहा पत्नी के लिए क्रोध नहीं भी करते लेकिन मेरे भक्तों का मेरा अपमान हुआ है, ऐसे सर नोचते हैं ऐसे। शंकर जी ने एक बाल को झटक के नीचे मारा, वीरभद्र पैदा हुआ, बोला आ गया। बोला जाओ दक्ष के यज्ञ के अंदर जो अपमान हुआ है हमारे गणों का उसका जाके तुम प्रतिशोध लो। अब वीरभद्र ऐसे लाल लाल बाल से बड़ा जो सबको ढक दे ऐसे चलने लगा है, पीछे शंकर जी के गण चले हैं। और जब भृगु कहते हैं अभी सुबह सुबह हमने आचमन किया, यज्ञ शुरू किया, ये आंधी कहाँ से आ गई है, शाम कैसे लग रही है। प्रसूति कहती है सती का जो अपमान किया है उसने शरीर छोड़ा है, ये तो आंधी शंकर जी के वहां से आ रही है। इतनी देर में वीरभद्र वहां के वहां पहुंचा, आते ही वीरभद्र ने पहले दक्ष को ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ के उसके
उसकी मुंडी को ऐसे मरोड़ा और नहीं टूटा तो लकड़ी की छुरी जिससे बकरे को काटते हैं उसके गर्दन को काटा और दक्ष अग्नि का स्वाहा दक्षाय स्वाहा दक्ष के सर को फेंक दिया। फिर भृगु की दाढ़ी को ऐसे खींच के निकाला हुआ ऐसे कर रहा था, पूषा का दांत तोड़ दिया और भग के आंखें निकाल दी और किसी देवता का हाथ तोड़ा, किसी का पाँव तोड़ा, सारे यज्ञ को विध्वंस किया। अब देवता सारा कोई हाथ बंधा हुआ कोई पांव बंधा हुआ, ब्रह्मा बाबा ए देखो पट्टी ये हमारा हाल हुआ है यज्ञ में। ब्रह्मा जी कहता है ये देखो इनविटेशन कार्ड मेरे को भी आया था, मेरे को मालूम था हाथ पांव टूटेंगे इसलिए गया नहीं था, सब जगह निमंत्रण आए वहां नहीं जाना चाहिए, जहाँ भले आदमी के लिए सम्मान नहीं हो वहाँ जाओगे तो हाथ पांव तोड़ के आओगे। तुम्हें पता नहीं है कि शंकर जी का वहाँ अपमान हो रहा है, वहाँ गए क्यों थे? ब्रह्मा जी ने पहले डांटा फिर कहा चलो आशुतोष भोला मान जाएगा सब, चलो मेरे साथ। अब सब चल के जाते हैं कैलाश में, देखते हैं कि शंकर जी क्रोध में तो नहीं है, ज्ञान मुद्रा में चतुर कुमार बैठे हैं और उनको कुछ उपदेश दे रहे हैं। सब ने दूर से प्रणाम किया। ब्रह्मानंद जी ने कहा भोलेनाथ हम सब आपको प्रार्थना करने आए हैं दक्ष के यज्ञ को संपन्न करो। बोला चलो, ये वैष्णव है कोई प्रतिशोध नहीं कि मेरी पत्नी का शरीर त्याग गया वहाँ, मेरे गणों को दुख दिया, नहीं आप चार अच्छे आदमी ब्रह्मा जी जैसे आए हो कह रहे हो चलो तो चलो। तो कभी भी वैष्णव किसी से द्वेष नहीं रखता है, ये विदुर से सीखना चाहिए। कल हमने आपको बताया था जिस घर से अपमानित होके निकला था उसी घर में वापस उसी धृतराष्ट्र के उद्धार के लिए चला गया। आज हम यह भी चर्चा करेंगे जिस सुरुचि ने द्रु को घर से बहुत दुख दे के निकाला था, वापस आके द्रु ने पहले सुरुचि को प्रणाम किया फिर अपनी माँ के पास गया, और केकई को पहले आके राम ने प्रणाम किया था जिसने वनवास दिया था। इसलिए भगवान के भक्त को किसी से वैर नहीं होता है, किसी से द्वेष नहीं होता है, ये भगवान के भक्त की पहली पहचान है। तो आज शंकर जी उठ के वहाँ से चले हैं और जैसे यज्ञ के वहाँ पहुँचे हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं पहले ये आपके ससुर जी को वापस जीवित करो। बोला इसका सर कहाँ है? इसका सर तो दक्षिण अग्नि में जिसमें बकरे का सर जाना था उधर चला गया। बोला अब क्या किया जा सकता है, वो सर तो वापस नहीं आ सकता है, आप कहो तो बकरे का सर मैं लगा दूं। बोला बकरे का सर लगा दोगे? बोला मैंने पहले हाथी का सर मेरे बेटे के ऊपर लगाया, ये तो हेड ट्रांसप्लांट मुझे बहुत परफेक्ट करने आता है, वो बकरा लेके आओ। ऐसे बकरे को ऐसे बकरे का सर लेके दक्ष के सर के ऊपर रखा। दक्ष ने कहा प्रणाम शंकर जी। अब दक्ष बकरे का सर लगते ही प्रणाम करके जैसे ही उसने क्षमा याचना की, शंकर जी ने सब देवताओं के हाथ पांव ठीक किए। बोला भृगु की दाढ़ी महाराज, बोला बकरे की लगा निकाल के लगा दो, ये ससुराल के पक्ष वाला है बकरे के पर। बोला ये पुष की आँख और ये भुग के दांत, भाग के दांत, बोला इसको दांत क्या करेगा, यजमान भोजन खाएगा इसका पेट भर जाएगा, नहीं तो इसको आटा दे देना चने का खाएगा, और आंख की जरूरत नहीं है दिन में देखेगा रात को भले नहीं देखे ये पड़ा रहे। तो ऐसे करके शंकर जी ने सबको ठीक किया। इतनी देर में भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। जैसे ही दक्ष ने प्रणाम किया, अपनी भूल को बख्शाया, अपने अपराध को स्वीकार किया, भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। तो कनखल का वो स्थान जहाँ भगवान विष्णु ब्रह्मा और शंकर तीनों एक समय में इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ भगवान विष्णु ने कहा अब इनका यज्ञ संपन्न होना चाहिए। भृगुवंशी कहते हैं भगवान आपके आने के बाद यज्ञ संपन्न होने में कोई अब त्रुटि रह नहीं सकती है। तब दक्ष का यज्ञ संपन्न हुआ। तो 7 अध्यायों में यहाँ यज्ञ के रूप में धर्म का कर्म जिसमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता विशेष उद्देश्य है, लेकिन वैष्णव का अपमान हो और द्वेष हो तो उस यज्ञ का फल नहीं मिलता है। यहाँ 7 अध्याय समाप्त होते हैं। फिर उत्तानपाद के पुत्र, उत्तानपाद जो स्वयंभू मनु का पुत्र है, उसके वंश का वर्णन करते हैं, उसका पुत्र ध्रुव। उत्तानपाद की 2 स्त्रियाँ हैं, एक स्त्री का नाम है सुनीति जो नीति के ऊपर चलती है, उसके घर में सदा रहने वाला शाश्वत नित्य ध्रुव जैसा पुत्र पैदा होता है, और दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि जो जैसे मन चाहे वैसे करती है, उसके घर में तत्कालीन उत्तम पुत्र पैदा होता है लेकिन ज़्यादा समय रहता नहीं है। उत्तानपाद महाराज राजपाट कर रहे थे और सुरुचि से बहुत प्रेम कर रहे थे, और सुनीति के
कक्ष में नहीं जाते थे। सुरुचि का पुत्र उत्तम महाराज की गोद में बैठा था और ध्रुव महाराज की इच्छा अपने पिता के गोद के बैठने की हुई। और जैसे ध्रुव महाराज 5 वर्ष का अपने पिता की गोद की तरफ गया, सुरुचि ने कहा रुक जाओ, इस गोद में बैठना है, जाओ भगवान की आराधना करो, भक्ति करो। अच्छी बात है, और भक्ति करके शरीर त्याग के मेरे गर्भ में आके मेरा पुत्र होके पैदा हो, तब इस गोद में बैठ सकते हो। भगवान की भक्ति करो ये तो ठीक था, लेकिन उसके बाद भी मरने के बाद जन्म लो, ये भगवान की भक्ति का अपमान है, ये भगवान की भक्ति का तिरस्कार है, ये सुरुचि का अपराध है। इसलिए सुरुचि को समय से पहले मरना पड़ेगा। आज ध्रुव छोटा बालक है, क्षत्रिय, बहुत दुख हुआ और रोता हुआ अपनी माँ के पास आया, माँ मेरे पिता की गोद में बैठने से मुझे छोटी माँ ने मना कर दिया। बोला क्या बोला बेटा? बोला भगवान की भक्ति करो। बोला ठीक कहा, बहुत सत्य कहा है, भगवान की भक्ति करो ये तो ठीक है। बेटा देखो, किसी को अन्याय हो तो राजा के पास जाना चाहिए, राजा तुम्हारा पिता है, उसके सामने तुम्हारा तुमसे अन्याय हुआ है तो राजा के ऊपर तो भगवान ही होता है, तो भगवान के पास जाने से ही न्याय मिलेगा। माँ भगवान कहाँ मिलेगा? बेटा भगवान को जाने ढूंढने के लिए तो सब वन में जाते हैं। अच्छा माँ, फिर मैं आशीर्वाद दीजिए, मैं भगवान को ढूंढने जाता हूँ। सुनीति ने न राजा के ऊपर कोई आरोप लगाया, न सुरुचि को बुरा कहा, उसने भगवान की भक्ति और नीति के मार्ग पर अपने बेटे को शिक्षा दी। आज ध्रुव घर के दरवाजे से बाहर निकला है, और प्रभुपाद जी कभी ऐसे स्टेज, जब ऐसी कोई परिस्थिति होती है तब बोलते हैं, ये जो चेतना चरित में लिखा है ना, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज, आज कृष्ण की कृपा हुई ध्रुव के दृढ़ संकल्प को देखकर, और नारद को गुरु के रूप में रास्ते में भेज दिया। अब अपने आप नारद आया, ध्रुव नारद को ढूंढने नहीं गया था, नारद को देख के, छोटा 5 साल का बच्चा था, कोई शिष्टाचार नहीं जानता था, है हाथ जोड़ा मामुनी। नारद कहता बेटा कहाँ जा रहे हो? वन में जा रहा हूँ। छोटे बच्चे वन में तो जंगल में पक्षी हो, बहुत बड़े भयानक पशु होते हैं, डर जाओगे, मत जाओ, तुम्हारे पिता के गोद में बैठना है, मैं समझा दूंगा, चलो। बोला मैं क्षत्रिय हूँ, भगवान को प्राप्त करने में कई जन्म लग जाएंगे तो भी मैं उसको प्राप्त करने के बगैर वापस घर नहीं लौटूंगा। नारद परीक्षा ले रहे थे और देखा तो ये परीक्षा में मेरा शिष्य पक्का है। राजस्थान में एक संत हुए, उसका नाम है दादू। एक पुलिस वाला पुलिस से रिटायर हुआ, उसके मन में आया कि बहुत दिन पुलिस के अंदर उल्टे सीधे काम किए हैं, अब किसी संत की शरण में जाके कुछ भगवान का नाम जप के जन्म सफल करूं। तो सुना दादू बड़ा अच्छा संत है, उसके पास जाता हूं। घोड़े के ऊपर चढ़ के जहां दादू रहता था वहां जाने लगा। जब गांव जिसमें दादू रहता था वहां पहुंचा तो एक आदमी सामने आया जो गंजा था, और ये पुलिस वाला तो था ही ना, उसको बोला पहले तो गंजा सामने आया है, काम होगा नहीं, उसको क्रोध आया। फिर उसी को बोला दादू कहाँ रहता है? ऐसे सर के ऊपर दे मारा एक झापड़, पुलिस वाला तो था, मारना उसका हाथ उठा हुआ था, उसका सर थोड़ा घूमा, उसने कहा ये सामने कुटिया में दादू रहते हैं। ये जाया घोड़ा बांधा, जाके वहाँ बैठ गया, लोग आके सत्संग में बैठे। थोड़ी देर के बाद जिसके सर के ऊपर अच्छी तरह से ऐसे मारा था वही दादू महाराज थे, आके बैठे आसन के ऊपर। अब यहाँ बेचारा ये देखता है कि मैं गुरु करने आया था, उसको तो पहले ही मैंने सर के ऊपर अच्छी तरह से एक झापड़ मार दिया। ये चुप करके बैठा, कथा पूरी हुई, सब चला गया, तब जाके गुरु कहता गुरु जी मुझे क्षमा करना, मैंने पहचाना नहीं। गुरु कहता है बेटा ये मटका मिट्टी का लेखते हैं, वो भी बजा है, कच्चा है कि पक्का है, तुमने गुरु को बजा के लिया। तो कोई बात नहीं। तो यहाँ नारद जी ने अच्छी तरह से बजा के देखा कि ये ध्रुव पक्का शिष्य, तब द्वादश अक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और कहा ये नदी जमुना का किनारा है, और ये मधुबन है, और ये बहुत सुंदर रमणीक स्थान है, जाओ यहाँ तपस्या करो, भगवान तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। आज पहले महीने में फल फूल खाया, दूसरे महीने में जल पिया, तीसरे महीने में हवा खाई, एक पांव पे खड़ा हुआ, अब ध्रुव सांस ले तो सारी हवा सारे की सारी अंदर चली जाए, और सांस बंद कर दे तो देवताओं का सांस बंद हो जाए। देवताओं ने कहा भगवान ये तो हमारा सांस बंद हो
रहा है? बोला ध्रुव समष्टि अपनी पूरी प्राण को समष्टि प्राण में समा दिया है एक भक्त, इसलिए भागवत में लिखा है एक भक्त अगर उद्गायंती नृत्यंती आगानंद में मगन होकर गाने लगे नाचने लगे कभी रोए कभी हंसे तो पूरे विश्व को पुनाति भुवनम तीनों लोगों को पवित्र कर सकता है। मात्र एक भक्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा मैं अभी ध्रुव की तपस्या को समाप्त कर दूंगा। आज ध्रुव को 6 महीने में भगवान हृदय में दिखने लगे। ध्रुव आनंद में भगवान का चतुर्भुज दर्शन कर रहा था। गरुड़ के ऊपर चढ़ के भगवान वहां आए और भगवान ने देखा मैं इसको दर्शन देने आया हूँ। शंख चक्र गदा पद्म साथ लाया गरुड़, जिसके पंखों से वेद की वाणी निकलती है उसके ऊपर चढ़ के आया हूँ और ये आंखें भी नहीं खोल रहा है। भगवान ने अंदर में होने वाले दर्शन को छुपा दिया। ध्रुव झटपटा के आंखें खोली तो जो अंदर दिखता वो साक्षात सामने देखा और ध्रुव ने प्रणाम तो किया लेकिन ध्रुव को कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, प्रार्थना करने आई नहीं। भगवान ने कहा ये मेरी प्रार्थना करना चाहता है और इसको कुछ जबान से आ नहीं रहा है। भगवान ने अपने शंख को गुरु के कपोल को लगाया, जैसे भगवान के शंख का स्पर्श हुआ, शंख जिसमें से शांति जिसके शांति की ध्वनि आती है वो भगवान अपने भक्त की विजय का घोषणा करते हैं, वो ऐसे धारावाहिक ध्रुव प्रार्थना करने लगा। भगवान की इतनी अद्भुत प्रार्थना ध्रुव ने की और ध्रुव की प्रार्थना में भगवान कहते ध्रुव तुमने मुझसे चाहा तो तुम्हारे पिता से बड़ा राज था ना, तुम्हारे पिता नहीं तुम्हारे परपिता से बड़ा राज तुम्हारे लिए ध्रुव लोक मैंने बनाया है, पहले इधर राज करना और उसके बाद ध्रुव लोक में रहना और ये ध्रुव लोक प्रलय के समय भी नाश होने वाला नहीं है। गंगा पहले ध्रुव लोक के ऊपर गिरती है, तुम्हारा लोक सदा चमकता रहेगा। ध्रुव कहता है आप हीरे मिल गए हो और मैं कांच के टुकड़े मांग रहा था, मैं मूर्ख हूँ। भगवान आपको पाने के बाद अब कोई वर काय के लिए मांगूं, आप ही तो वरण्य हैं और वर मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा नहीं ध्रुव, तुमने नहीं मांगोगे तब भी तुम अर्थार्थी भक्त हो, तुम आए थे बाप से ज़्यादा राज लेने के लिए, तो आज तुम्हारे को राज भी दूंगा और ध्रुव लोक भी तेरे लिए तैयार है। भगवान ने दर्शन दिया, ध्रुव ने प्रार्थना समाप्त की। ध्रुव जैसे लोटा है पिताजी ने गोद में ले लिया है और माँ सुरसुरी जी को प्रणाम किया है, उतार राज छोड़ के ध्रुव को राज दे के चला गया है, ध्रुव का राज शुरू हुआ है। एक दिन ध्रुव का भाई उत्तम शिकार करने गया, यक्षु ने उसको मार दिया, ध्रुव को क्रोध आ गया, उसकी माँ उसको ढूंढने गई वो भी जल मरी, तो उत्तम भी मरा और सुरुचि भी मर गई। अब ध्रुव को क्रोध आया और क्रोध में युद्ध करने के लिए यक्षों को गया और ब्रह्मास्त्र का आह्वान कर रहा था, उस वक्त स्वयंभू मनु आए जो एक महाजन है। कहा बेटा ध्रुव एक यक्ष ने तुम्हारे भाई को मारा, तू सारे यक्षों का वंश नाश कर रहा है। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं जो छोटों के ऊपर दया करते हैं, बराबर वालों के साथ मैत्री करते हैं, बड़ों के सम्मान करते हैं। आप भगवान की इच्छा को मान लो, यक्षों से युद्ध करना बंद कर दो, वंश का संहार मत करो। और तब तक कुबेर आया और कुबेर बड़ा प्रसन्न हुआ और यहाँ ध्रुव ने ये युद्ध बंद किया। देखो भगवान विष्णु के दर्शन के बाद भी ध्रुव को क्रोध आया और एक भक्त भागवत के शिक्षा से वो क्रोध दूर हुआ। वैसे क्रोध का अर्थ होता है जो आपके अंदर आनंद का, जो आनंद आपके अंदर आनंद का फुहारा निकल रहा है उसको जो बंद कर दे उसको बोलते हैं क्रोध। क्रोध का मतलब आपके सुख को समाप्त कर दे और जहाँ क्रोध आता है वहाँ सुख को जला के नाश कर देता है। तो क्रोध ध्रुव को कब आया? भगवान के दर्शन के बाद भी आया, फिर भी भगवान के भक्त के शिक्षा से क्रोध को समाप्ति हुई। इसलिए महाप्रभु के ये शब्द याद रखने चाहिए, भक्ति का जन्म भक्त के संग में होता है। भगवान मिल जाए फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग है, भगवान के मिलने के बाद भी भक्त का संग मुख्य अंग है, भक्त के संग के बगैर भगवान के मिलने के बाद भी भक्ति नहीं हो सकती। ऐसे भागवत में रोज आपको सुनने को मिलेगा। आज ध्रुव ने कहा मेरा बेटा उत्तम, मेरा बेटा उत्कल तो
अवधूत राज नहीं करेगा, लेकिन ये मेरा दूसरा बेटा है, बेटा तुम राज करो। ध्रुव वहाँ से चला गया बद्री का आश्रम में और तपस्या दोबारा की। उस वक्त भगवान के वैकुंठ से विमान आया। सुनंद ने कहा, ध्रुव अब तुम्हारी तपस्या सफल हुई, आओ विमान में चढ़ो। तब मृत्यु आगे खड़ी हो गई, ये मृत्यु लोक है, यहाँ मुझे स्वीकार करके आप वैकुंठ के विमान में जा सकते हो। हाँ आइए आइए, मृत्यु मृत्यु नज़दीक आया। ध्रुव ने मृत्यु के सर के ऊपर पाँव रखा और विमान में दूसरा पाँव रखा। मृत्यु के सर के ऊपर पाँव रख के विमान में ध्रुव चढ़ा। विमान में वो चढ़ सकता है वैकुंठ में जिसने अपने अभिमान को छोड़ दिया हो। जो अपने अभिमान को छोड़ के अमानीन हो जाएगा वो वैकुंठ में विमान में चढ़ने का अधिकारी बनता है। आज ध्रुव सारा अभिमान छोड़ के विमान में चढ़ा, लेकिन कहा, नंद सुनंद जरा विमान को रोको। तो बोला, क्यों क्या बात है? बोला, मेरी माँ सुनीति ने मेरे को भगवान को पाने का मार्ग बताया था, मैं मेरी माँ को साथ ले चलना चाहता हूँ। ये ध्रुव की शिक्षा को याद करना कि जिसने आपको मंदिर का रास्ता दिखाया हो उसको कभी मत भूलना। भगवान मिल जाए तो उसकी याद करके उसको भगवान की याद जरूर दिलाना। ये ध्रुव से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। उस वक्त सुनंद कहता है, देखो आगे वाले विमान में तुम्हारी माता जा रही है। भगवान के भक्तों के माता पिता क्या 21 परिवारों का उद्धार अपने आप हो जाता है। यहाँ ध्रुव वापस ध्रुवलोक में चला गया। वैकुंठ का विमान आया लेकिन ध्रुवलोक को ले जाके ध्रुवलोक में बिठा दिया। एक दिन नारद ने कहा, मेरा शिष्य भगवान का दर्शन करके राज करके ध्रुवलोक में रह रहा है, जाऊं पता करूं उसका कैसा हाल है। नारद ने कहा, ध्रुव क्या समाचार है, सब ठीक है? आंखों में आंसू बह रहे थे। बेटा ये क्यों? बोला, गुरु जी आप जैसा गुरु मिला, भगवान का दर्शन हुआ, फिर भी मैंने राजपाठ मांग लिया, इसलिए मैं अभी तक दुखी हूँ कि भगवान मिलने के बाद भी मैं संसार मांग लिया। ध्रुवलोक में आज भी ध्रुव की आंखों से आंसू बह रहे हैं कि भगवान की प्राप्ति के बाद मैंने राजभोग क्यों मांग लिया। तो अर्थार्थी भक्त था लेकिन आज ध्रुव भगवान की भक्ति कर रहा है। तो यहाँ 5 अध्यायों में अर्थार्थी भक्त ध्रुव के वंश में आगे। पहले पुत्र ने राज किया नहीं, दूसरे पुत्र के वंश में आगे महाराज अंग को कोई संतान नहीं थी। तो ऋषि ने कहा, क्या करें, यज्ञ करें। बोला, यज्ञ करो, संतान हुई। संतान कौन हुई? उसकी शादी कहाँ हुई थी? उसकी शादी मृत्यु की कन्या से हुई थी। तो मृत्यु की कन्या से शादी जो हुई थी तो आज अंग के घर में पुत्र हुआ वेण। और वेण जब पुत्र पैदा हुआ तो ज्योतिषियों ने कहा, महाराज इसका नाने का कुल असुरी कुल है, ये मृत्यु की पुत्री का पुत्र है और ये सब लोगों को मृत्यु की नींद सुला देगा, बहुत ये अपनी प्रजा को दुख देगा। महाराज ने कहा, बड़ा होगा तब सुधारने का प्रयास करेंगे। तो महाराज अंग ने प्रयास किया कि कहीं वेण सुधर जाए, लेकिन वो बचपन से ही बदमाश था। बाप ने कहा, ये सुधरेगा नहीं। तब एक दिन कहा, भगवान ने अच्छा किया, मेरे को बदमाश लड़का दिया, मेरा इसमें मोह नहीं है धृतराष्ट्र की तरह, इसलिए आज रात को महाराज अंग राज छोड़ के तपस्या करने चले गए। कभी कभी खराब बच्चा भी मोह से मुक्त करने के लिए अच्छा होता है। सबके बच्चे सुख देने को नहीं आते हैं, कुछ बच्चे अच्छी तरह से दुख देने को लिए आते हैं और कुछ भाग से सुख देने के लिए आते हैं। तो जो भी हो, आज वेण बड़ा हुआ तो सबने कहा कि भाई राज अभी राजा नहीं है, चला गया महाराज अंग, तो वेण को राज देना चाहिए। तो ऋषियों ने, तो उसकी माँ ने कहा, हाँ इसका अधिकार है, इसको राज दो। ऋषियों ने कहा, ठीक है राज हम देते हैं, जब तक गलत नहीं करेगा तो इसको राज सिंहासन के ऊपर। जैसे वेण को बिठाया उसने कहा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कहीं भी कीर्तन नहीं होगा, कहीं भी गाय की पूजा देवता की पूजा नहीं होगी, सब देव पूजा बंद कर दी, गौ माता की पूजा देवता की पूजा बंद कर। सारे ऋषियों ने कहा, ये तो धर्म के विपरीत जा रहा है। सबने कहा, वेण आप ये क्या करते हो, अब धर्म के नेम से उल्टा। बोला, आपको मालूम है महाराज, राजा के अंदर भगवान विष्णु का अंश होता है। ऋषि ने कहा, हाँ तो फिर मैं राजा हूँ, विष्णु का अंश है तो मेरी पूजा करो ना। ऋषियों ने कहा, जो विष्णु की प्रजा को अपने पुत्र के समान समझकर पूजा कर सेवा करता है उस राजा में विष्णु का अंश होता है, नहीं इंद्रियों के लिए तृप्ति के लिए राज करे वो असुरी राजा है, वो राक्षस है, उसके अंदर विष्णु का अंश नहीं होता है। तो एक राजा जो भगवान के आदेश से प्रजा का भगवान की तरफ ले जाने की शिक्षा दे तो उस राजा को राजा कहते हैं, उसका राज अभिषेक होता है। आज दुनिया में कोई एक राजा है जिसका अभिषेक होता हो? ब्राह्मणों ने किसी के ऊपर मुकुट रखा हो ऐसा कोई राजा दुनिया में है? नहीं है।
ये शराबियों के वोट से बने हुए राजा हैं। कोई भी राजा ब्राह्मणों के द्वारा अभिषेक हुआ और जिसके सर के ऊपर जो है वो राज तिलक किया गया हो, ऐसा राजा आजकल है ही नहीं। सब असुरी प्रवृत्ति का प्रभाव चारों ओर से बोलबाला है। तो ये वेन ने जब ऐसे कहा तो ऋषियों ने कहा जो राज दे सकते हैं वो राज ले भी सकते हैं। ऋषि ने ओंकार किया और वेन के प्राण निकल गए। ऋषियों में ये शक्ति थी, किसी को राज तिलक दे भी सकते थे, किसी से राज ले भी सकते थे ये ब्राह्मण। आज वेन का शरीर छूट गया, वेन की माँ ने अपने बेटे के शरीर को तेल में रख दिया। आज ऋषि कहते हैं राजा नहीं है, प्रजा को राजा नहीं है तो चोर बदमाश चारों ओर से अनर्थ होने लग जाएगा, अब क्या करना चाहिए। ऋषि ने कहा इस वेण के शरीर का मंथन करो। अधोभाग का मंथन किया, काला कलूटा एक निकला अंदर से, निषाद का जाके वन में निवास करो। सीधे हाथ का मंथन किया, भगवान का अवतार पृथु प्रकट हुआ। उल्टे हाथ के मंथन से अर्ची पैदा हुई, आज पृथु और अर्ची का प्रकट हुआ। दोनों अयोनिज है, भगवान के अवतार है और सबकी इच्छा पूरी करने के लिए आए। उस वक्त सारे देवता वहाँ आए, जिस देवता के पास जो अधिकार था वो पुरस्कार के रूप में, भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में महाराज पृथु को दिया। किसी ने चरम मृगशाला दी, किसी ने धनुष दिया, किसी ने बाण दिया, किसी ने माला दी, हर एक देवता ने अपने अधिकार से दिया। गुणगान करने के लिए गंधर्व आए। पृथु कहते हैं जब तक अच्छा काम नहीं करूं तब तक गुणगान मत करो। सबने कहा महाराज आप भगवान के अवतार हैं, आप इस पृथ्वी का पालन करने के लिए आए। आज महाराज पृथु का राज अभिषेक हुआ है। सारी प्रजा कुर्ता ऊपर करके दिखाती है, पेट महाराज पेट मेरा पीठ से लग गया है, खाने को कुछ नहीं मिलता है, खेती करते हैं पृथ्वी के अंदर से कुछ नहीं उपजता है। महाराज पृथु कहते हैं मेरी प्रजा क्यों भूखी है। महाराज ने धनुष उठाया, घोर रथ के ऊपर चढ़े, पृथ्वी के पीछे धनुष बाण का अनुसंधान किया। गाय के रूप में जाती हुई पृथ्वी भयभीत होकर कांपने लगी, महाराज आप हमारे रक्षक हैं, हम आपको क्यों मारे। पृथ्वी तुम मेरी प्रजा को काय के लिए अन्न की उत्पत्ति नहीं करती हो। पृथ्वी कहती है महाराज आपसे पहले ऐसे अधर्मी राजा थे कि सारे बीज मेरे पेट में लुप्त हो गए, चुप गए। जब पृथ्वी के ऊपर असुरी प्रवृत्ति के राजाओं का राज होता है तो पृथ्वी अपने अंदर से अन्न का उपादान नहीं करती है, वो सारा अन्न समाप्त हो जाता है। तो पृथ्वी विष्णु पत्नी है, तीन रूप है। आदि भौतिक रूप में पृथ्वी, ये पत्थर है, पहाड़ है, नदियां हैं। आदि देविक रूप में पृथ्वी गाय के रूप में सहनशीलता की मूर्ति है। और आध्यात्मिक रूप में पृथ्वी भू देवी है, भगवान विष्णु की पत्नी है, वो अचल भगवान के साथ रहती है। तो ये पृथ्वी देवी कहती है अब आप जैसा राजा है तो आप ऐसे करो, मेरा दोहन करो, मैं गाय के रूप में होती हूँ देवी के पास, आप एक बछड़ा योग्य बनाओ और जिसका चाहिए उसके लिए भोजन की व्यवस्था करो। आज महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना के मानव के लिए, इंद्र को बछड़ा बनकर के देवताओं के लिए, शेर को बछड़ा बना के लिए शेर के लिए, वासुकी को नग बना के सांप के लिए, बिच्छू के लिए, सबके लिए भोजन की व्यवस्था की। राजा वो जो अपने जन जंतु को भी मानव के अलावा प्रजा मानता है उसको राजा कहते हैं। ये शिक्षा आपके घर में रहने वाला कोई बिल्ला कुत्ता है तो वो भी आपके सदस्य के समान है, उसके भोजन की व्यवस्था भी आपको करनी है। प्रभुपाद जी के पिताजी के कपड़े के दुकान में जब चूहा कपड़े काटते थे तो उन्होंने कहा चूहा अगर मेरे दुकान में रहता है तो उसके भोजन की व्यवस्था मुझे करनी चाहिए। वो थोड़ा सा चावल रात को रख देते थे, चूहा चावल खाता था, कपड़ा कभी नहीं काटता था। तो जो अपनी घर में रहने वाले जीव जंतु को पूरी प्रजा के लिए पृथु ने सबकी इच्छा पूरी की, धरती को समतल किया, ये पंजाब का टुकड़ा पृथु ने सारा सीधा कर दिया और फिर गांव बसाए। वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण विद्या से, क्षत्रिय रक्षा से, वैश्य वाणिज्य गौरक्षा और कृषि से और क्षुद्र सेवा के द्वारा अपना निर्वाह करे, ये सारी व्यवस्था की सबके लिए। पहली बार टाउनशिप इस्टेब्लिश की पृथु महाराज ने इस धरती के ऊपर। अश्वमेध यज्ञ करना शुरू किया, 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे हुए पृथु महाराज के। इंद्र का आसन हिला, इंद्र की कुर्सी, इंद्र को कुर्सी का बहुत खतरा होता है। कुर्सी पता है किसको कहते हैं? कुर्सी शब्द कहां से निकला है? खुर्सी, खुर का मतलब जैसे गाय के खुर होते हैं, गधे के खुर होते हैं, ऐसे जो कुर्सी के ऊपर बैठता है
वो पशु बन जाता है। वो दिखता है कि कुर्सी के ऊपर बैठता है, लेकिन कुर्सी उसके माथे में बैठ जाती है। कुर्सी का नशा बहुत खतरनाक है, कुर्सी आदमी को पशु बना देती है, दूसरे को सुखी देखना नहीं चाहता है। तो इंद्र की कुर्सी हिलने लगी, क्योंकि जो 100 यज्ञ करता है उसको सत्कर्तु बोलते हैं, और सत्कर्तु को इंद्र बनने का अधिकार है, वो इंद्र के लिए क्वालिफाई हो जाता है, और इंद्र को लगता है मेरी कुर्सी चली जाएगी। इंद्र वहाँ से सन्यासी के वेश में आके घोड़ा चुराने लगा, अत्रि यज्ञ करते हुए कहता है महाराज ये इंद्र हैं। तो अश्वजीत जो बेटा था महाराज पृथु का, वो इंद्र के पीछे गया, लेकिन उसको सन्यासी के वेश में देखा, छोड़ दिया। फिर वापस इंद्र दूसरे कपड़े पहन के दूसरे साधु के वेश में आए। अब 99 यज्ञ पूरा हुआ, तब ब्रह्मा जी ने कहा पृथु क्या करोगे 100 यज्ञ करके? ये इंद्र बार बार साधु के वेश में आता है, और इंद्र का नकल करके साधु अगर कपड़ा पहन के साधु के किसी के घर में जाए और सामान चुरा के चला जाए तो लोग साधुओं के ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। ये इंद्र ने गलत रास्ता एक निकाल दिया साधुओं के लिए, इसलिए आप यज्ञ 100 छोड़ दो, आप भगवान के अवतार हो। उस वक्त भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए, 100 यज्ञ पूरे नहीं किए पृथु ने। इंद्र आया, इंद्र को क्षमा कर दी, इंद्र को गले मिला। पृथु ने कहा मैंने तुम्हें क्षमा कर दी, और उस वक्त भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और पृथु को कहा आपका राज सुखी है, अब आपको 4 कुमार सनक आदि उपदेश देंगे। फिर देखो भगवान विष्णु का दर्शन हुआ, फिर भी सनक आदि ऋषियों के उपदेश की आवश्यकता पड़ गई, और पृथु आज वानप्रस्थ लेके वन में गया। लेकिन वन इतना सुंदर था, उसने कहा इस वन की व्यवस्था किसने की है? भागवत में नहीं लिखा है, अन्य पुराणों में लिखा है, वो निषाद जो अंग के शरीर से वेण के शरीर से निकला था पृथु का बड़ा भाई, जो पहले उसने वन प्रदेश को इतना सुंदर बनाया था, आज पृथु और अर्जी की वो सेवा करता है। उसने पृथु कहता है भाई काम तुम करते हो, नाम मेरा होता है, कितना सुंदर तुमने मेरा प्रदेश बना के रखा है। आज पृथु को भगवान की प्रार्थना कह, भगवान को पृथु कह प्रार्थना करके कहते, भगवान कहते तुम मांग ले पृथु। बोला मेरे को 1000 कान दो कि आपके गुणगान सुनो, 1000 कान दे दो, 2 कान से मुझे आपके गुणगान से सुख नहीं मिल रहा है। और फिर पृथु कहता है मैं आपके चरणों को दबाना चाहता हूँ, बस लक्ष्मी भी आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ती है, तो 1 चरण मेरे को दे दो, 1 लक्ष्मी को दे दो, उनकी वजह से मेरे को आपके चरणों की सेवा से अलग नहीं करना। भगवान ने कहा मैं करवट लूं और तुम्हारा पांव लक्ष्मी के पास जला जाएगा तो तुम चूंटी तो नहीं मारेगा ना? असल में होता क्या है कि हम एक ही संस्था की सेवा करते हैं, लेकिन कहते ये मेरा है ये तेरा है, पांव एक भगवान विष्णु के हैं, दोनों दबा रहे हैं, लेकिन वो अगर करवट बदलता है तो दूसरे का पांव मेरे में हाथ में आता है, ये हटा यहाँ से तो मेरा नहीं है पांव, तो ये तो तकलीफ तो भगवान को होती है ना। तो बोले ऐसा तो तुम भक्ति नहीं करेगा ना? बोले नहीं नहीं महाराज मैं आपका चरणों का सेवक हूँ। और तब पृथु और अर्ची ने उस वक्त जाके वानप्रस्थ में सनकादि ऋषियों की शिक्षा से भगवत धाम को प्राप्ति की। फिर इस वंश में आगे प्राचीन बरहित ध्रुववंश के एक बहुत कर्मठ राजा हुए, जिसके बारे में भागवत में लिखा है किसी चोर को कभी हिम्मत नहीं होती थी कि प्राचीन बरहित के होते हुए कहीं चोरी कर सके। कर्म कांड का प्रवीण था, इतने कुछ घास बिछाए थे कि पूरी धरती ढक जाए, लेकिन पशु की बलि देता था, दान वो यज्ञ बड़ा करता था। नारद ने कहा ये यज्ञ क्यों कर रहा है? इससे पूछ, नारद पूछा भाई तुम काय के लिए यज्ञ करता है? बोला मुझे पता नहीं है, पंडित कहते हैं इसलिए करता हूं। बोले इससे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो पशु की हत्या कर रहा है इस यज्ञ के अंदर, इस प्रजा की संपत्ति को धन को इधर डाल रहा है, किसी की सेवा में नहीं लगा रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है। देख तो ऊपर देखता है तो पशु ऐसे अस्त्र शस्त्र लेके भयानक नजर से देख रहे हैं। पृथु बोला ये कौन है? बोला ये वही है जो तुमने जिनको तुमने आहुति डाल के या यज्ञ में डाला है, और ये जिन लोगों को तुमने दुख दिया है तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें, फिर मैं क्या करूं? तब प्राचीन बरहित को नारद ने पुरंजन उपाख्यान सुनाया है, और इससे पहले एक अध्याय में आता है कि प्राचीन बरहित के 10 पुत्र थे, उनका नाम प्रचेता था। उन्होंने पूछा पिताजी हम क्या करें? बोला बेटा सृष्टि करो बहुत अच्छी तरह से धार्मिक दृष्टि से। तो बोला इसके लिए फिर पिताजी हम तपस्या करने जाते हैं। और प्रचेता दान 10 भाई तपस्या करने के लिए समुद्र के किनारे नारायण सरोवर की तरफ चले गए, और सरोवर से आवाज़ सुन के खड़े हो गए।
उनके दृढ़ संकल्प को देख के अंदर से भगवान गौरी शंकर रुद्र निकले। रुद्र प्रसन्न हो गए, कहा कि तुम भगवान विष्णु को प्राप्त करने जा रहे हो, मैं आपको गीत सुनाता हूँ, भगवान विष्णु की आराधना का मंत्र सुनाता हूँ, भगवान विष्णु की प्राप्ति का साधन बताता हूँ। रुद्र ने दीक्षा दी, मंत्र दिया, शिक्षा दी और 10 प्रचेताओं ने समुद्र के किनारे तपस्या की और साक्षात भगवान गरुड़ के ऊपर आके दर्शन दिया। भगवान का दर्शन, रुद्र की प्रार्थना और वो तपस्वी वहाँ बड़ी तपस्या कर रहे थे। और यहाँ पुरंजन को नारद पुरंजन उपाख्यान सुनाएंगे, किसको? प्राचीन बरहितो महाराज बरहिष्ठ को। तो ये बाकी के 5-6 अध्याय कल सुबह के सत्र में और आगे 5वां और 6ठा स्कंद पूरा करेंगे। यहाँ पृथु महाराज आज भगवान का अवतार इस 4थे स्कंद में, ये विविध प्रकार के 4 धर्मों के द्वारा जैसे सृष्टि होती है उसका वर्णन आपने सुना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्री प्रभुपाद की।